देखिए, मैं पहले तो ये जो टर्म है नॉन मुस्लिम, मैं इसे अग्री नहीं करता। उसका रीजन ये है कि जब आप नॉन मुस्लिम कहते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप मेरी आइडेंटिटी नेगेट कर देते हैं। और अगर उसको चेरी पिक भी कहें, लेकिन आई लाइक टू पिक द पॉजिटिव्स आउट ऑफ दैट। इज इट द रीजन कि आप एक मुसलमान मेजोरिटी कंट्री में रहते हैं, और अगर आप नेगेटिव साइड बात भी करें तो आपकी जो जान पहले मुश्किल है, हम आगे बात करेंगे वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दैट कैन बी अ वेरी गुड रीजन। लेकिन और अच्छा, स्टेट कहीं पे भी पैसे नहीं देगी नए मंदिर बनने के, आप फिर हिंदुओं से टैक्स लेना भी बंद करें ना। राइजिंग हिंदुइज्म नजर आता है, हिंदुत्व की बात होती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, आरएसएस की, इसने भी तो आपको कितना डैमेज किया है आपके कॉज को यहाँ पर। बहुत ज्यादा वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। देखने वाले जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जहां पाकिस्तान की तमाम ही रिलीजियस माइनॉरिटीज, गो के ये लफ्ज़ इतना मुनासिब नहीं है लेकिन आम फहम यही बोला जाता है, उन्हें बुलाएं, उनके मसाइल समझें और उनके लेंस से पाकिस्तान को देखने की कोशिश करें, और सबसे बढ़कर उनके मजहब को जैसा कि वो है समझें। अमूमी तौर पर जब पाकिस्तान में मजहब की बात होती है तो हम उसे इस्लाम के मुकाबले में देखते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सेफ स्पेसेस क्रिएट की जाएं कि लोग अपने मजहब की, जिसको वो बहुत दिल के करीब रखते हैं, उस पर बात कर सकें। इसी के लिए आज हमने जहमत दी है भैविश भाई को, इनका नाम प्रोनाउंस करना मैं इंटरव्यू के आखिर तक सीख जाऊंगा, मुझे उम्मीद है। इनको आप हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट हैं, माइनॉरिटी मार्च पाकिस्तान में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, और जिन लोगों ने आखिरी इंटरव्यू पैस्टर साहबा के साथ देखा उन्होंने एक बच्चे सागर का जिक्र किया था, तो मुझे ये भी मुझ तक न्यूज़ आई कि भैविश भाई ने काफ़ी कोशिशों के बाद सागर के केस में उसमें कामयाबी हासिल कर पाए। भैविश भाई खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ठीक हूँ अब्बास भाई, आप बताएं। थैंक यू फॉर द नाइसेस्ट इंट्रोडक्शन। नहीं, थैंक यू सो मच भाई, आपका बेहद शुक्रिया। भविष्य भाई, सबसे पहले अगर आप मुझे बता सकें कि हिंदुइज्म, और अगर अब एक नई टर्म हम सुनते हैं सनातनी, ये एक ऐसे शख्स के लिए जो बाहर से बैठ के देख रहा है, इन दोनों के बारे में या ओवरऑल अपने रिलीजन के बारे में आप हमें समझा सकें कि हिंदुइज्म बेसिकली है क्या? सनातन धर्म, दिस इज न्यू टू द पीपल जो अभी आजकल, क्योंकि जो इंटर रिलीजन एजुकेशन है या उसकी अवेयरनेस है वो कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ आज बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन सनातन धर्म इज द एक्चुअल और पुराना टर्म एज कंपैरेटिव टू द हिंदू और हिंदुइज्म वर्ल्ड। हिंदुइज्म इज द मॉडर्न फिलोसफी जो डिराइव हुई है सनातन धर्म से, एज वेल एज देर आर अदर मॉडर्न रिलीजन्स। इसमें आपका सिखिज्म भी आता है, बुद्धिज्म भी है, देन वी टॉक अबाउट जैनिज्म। सो ये जो मॉडर्न रिलीजन्स हैं ये सारे सनातन धर्म से ड्राइव हुए हैं, क्योंकि जो इनके ओरिजिनेटर्स थे दे यूज्ड टू फॉलो सनातन धर्म। आप अगर गौतम बुद्धा की बात करें, जो बुद्ध धर्म के आया बुद्धिज्म के जो ओरिजिनेटर हैं, या जहाँ से उनकी ऑब्वियसली फिलोसफी वहां से जनरेट हुई, तो ही वॉज विविड फॉलोअर ऑफ सनातन धर्म। अगर हम बाबा गुरु नानक की बात करें, तो ये जो सिख इटसेल्फ एक टर्म है, तो वो ड्राइव हुई थी कि वो एक फौज थी जो हिंदुइज्म को जो सनातन धर्म को बचाने के लिए बनाई गई थी अगेंस्ट द मुगल्स। तो हिंदुइज्म है क्योंकि जब आपके इन्वेडर्स थे, और जो जो जब लोग आज के करंट हिंद और सिंध पे आ रहे थे इन्वेड करने, स्पेशली द पर्शियंस एंड द मोगल्स, तो वहां पे उन्होंने पर्शियंस ने पहली दफा, क्योंकि संस्कृत वर्ड था सिंधु, सिंधु वर्ड था फॉर द इंडस रिवर, और यहाँ पे जो आपका पूरी इंडस रिवर, क्योंकि इंडस रिवर इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आपको इंडिया पे भी वो कनेक्ट करती है, जो मॉडर्न इंडिया है उस पर भी कनेक्ट करती है। तो वहां पे क्योंकि मेजोरिटी कंपैरेटिवली वो लोग रहते थे जो उस टाइम सनातन धर्म को फॉलो करते थे, जब वो सिंधु वर्ड था उसकी मिसप्रोनाउंसिएशन हुई हिंदू पे फ्रॉम द पर्शियंस, और वहां से ये हिंदू वर्ड ड्राइव हुआ और उसको हिंदुइज्म कहा गया। हिंदुइज्म एक बहुत ही लिमिटेड कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं ऐसे कहूंगा इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आपको ये बताता है कि कैसे आपने रहना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, व्हाट आर द बैड ट्रेट्स द गुड ट्रेट्स। इट्स वेरी कंपैरेटिवली आप हिंदुइज्म को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, उस पे आप जो आपकी ग्रिप है वो आ सकती है, रादर देन सनातन धर्म जिसमें जिसके कोर जो चार बुक्स हैं वो वेदास है, एंड वेदास
इज वेरी मच इम्पॉसिबल अभी लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि एक एक किताब में लाखों पन्ने हैं और वो चार ऐसी किताबें हैं। उस पे जो सनातन धर्म है उसके जो चार पिलर्स हैं, उसके बाद मॉडर्न रिलीजन हिंदुइज्म है जो भागवत गीता पे कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन इसमें भी ये है कि जैसे मॉडर्न हिंदुइज्म में आपकी किस तरफ से ज्यादा एलिनेशन होती है, अगर जैसे जो ज्यादा कृष्णा को मानते हैं या जो आपके किसी माता को मानते हैं, शिव भगवान को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अक्सर कहा जाता है कि हिंदुइज्म इज अ हिंदूज आर पॉलीथिस्ट, कि ये बहुत ज्यादा खुदाओं को मानते हैं या देयर आर टू मेनी गॉड्स। हिंदुइज्म और सनातन धर्म दोनों का एक ही प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल, कि आपकी लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में खुदा कहते हैं, हम उसको ईश्वर कहते हैं, या उसको हम यूज द वर्ड शक्ति। देयर इज ओनली वन पावर जिसने ये पूरी सृष्टि और पूरी दुनिया बनाई है। और फिर ये जो आप अवतार देखते हैं, वैष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये जो त्रिमूर्ति है, उसके बाद आप कृष्णा, राम, हनुमान, और ये जो सारे नाम आप सुनते हैं कंपैरेटिवली, आपने भी सुने होंगे, तो ये दीज आर द सेमी गॉड्स एंड द डेमी गॉड्स, मतलब ये उनके अवतार्स हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन पावर जो इस दुनिया को जिसने बनाया है, और हम भी मोनोथीस्ट ही हैं। थैंक यू भेविश भाई। अब क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको पॉजिटिवली ग्लैंस से देख लिया जाए, आपने समझाया हमें, बेहद शुक्रिया आपका। अब हम पाकिस्तान की तारीख से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने अल्टीमेटली पाकिस्तान को माइनॉरिटीज़ के लेंस से और आपकी सिचुएशन में हिंदूज के लेंस से देखना है। अगर हम बिल्कुल पाकिस्तान के एडवेंट की बात करें, पाकिस्तान के बनने की, तो जो तारीख हमने पढ़ी या पढ़ाई गई वो ये कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के बुनियाद पर बना, हिंदूज वर्सेज मुस्लिम्स। इस सिचुएशन में क्या ये लॉजिकल नहीं था कि तमाम ही हिंदू इंडिया चले जाते? तो इसको इस तरह मैं फ्रेम कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे रह गए, आप जैसे लोग, आपकी फैमिलीज, और भी हम आगे जाके बात करेंगे, उनके पास क्या इंसेंटिव था उस डिवीजन के बाद भी पाकिस्तान को अपनाने का? अब्बास भाई, एक अगर इसकी कोर रूट देखेंगे, मुगल जो आए थे सब कॉन्टिनेंट में, दे रूल फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 400 ईयर्स, या कंपैरेटिवली अगर देखा जाए 500 पूरे ही कर लिए थे उन्होंने ना, तो 500 साल जब एक मुस्लिम रूलर सब कॉन्टिनेंट पे था, दे हैड ऑल द फोर साइड्स कवर्ड। ऐसे नहीं था कि एक साइड किसी और हिंदू रूलर या किसी और रिलीजन के पास हो, जब चारों सब कॉन्टिनेंट के कॉर्नर्स उन्होंने कवर कर लिए थे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, तो तब भी तो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी या हार्मनी थी वो चल रही थी। तो मसला कैसे आया और कहाँ से आया, द इश्यूज या जो कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहा जाता है, जिसको फिर हमने टू नेशन थ्योरी का नाम दिया, दिस वॉज द टर्म विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ये कॉलोनियल टर्म था जिसने रिफ्ट पैदा की, और वो रिफ्ट कैसे पैदा की, अगर आपको शायद इस चीज का व्यूअर्स को भी इतना इल्म नहीं होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको हम कहा जाता है कि इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और सबसे बड़े एंडोर्सर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, तो उनको तो 1930s में, 1930s मतलब आपकी आजादी से कोई 5-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 30s में, उनको तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया था कांग्रेस में। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना, जो आपके पाकिस्तान के मॉडर्न पाकिस्तान के फाउंडर थे, उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, अगर उनको आपने एम्बेसडर का अवार्ड दिया था, मतलब द थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे आर शोन राइट नाउ। फिर क्या हुआ कि जब लेट 30s के बाद दे सॉ द ब्रिटिशर्स के जो ये मोहम्मद अली जिन्ना है और जो कांग्रेस है, दे आर डूइंग गुड, इनको जो इनके डिमांड थी, इलेक्टोरल डिमांड थी कि इनको मुस्लिम सीट्स चाहिए, वो इनको मिल रही है, तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा, और जो हम चाहते हैं इनका डिवीजन वो कभी नहीं हो सकता। ये मैं समझा रहा हूँ बड़ी लेमन लैंग्वेज में। देन व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, जो आपकी हिस्ट्री बुक्स में भी दैट्स एविडेंट, कि उन्होंने मंदिरों के बाहर गाय काट के उसका सर रखना शुरू कर दिया, और मस्जिदों के बाहर उन्होंने पॉक, क्योंकि इस्लाम में हराम है, तो उन्होंने वहां पे पॉक रखना स्टार्ट कर दिया, और वहां से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए जो कॉन्फ्लिक्ट आज तक चलते आ रहे हैं। वरना इफ इफ वी ट्रेस बैक, ये जरूर बात थी कि टू नेशन थ्योरी की असल बात ये थी कि बोथ हैव डिफरेंट कल्चर्स, और इसलिए जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है वो अलग होनी चाहिए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी वही डिमांड की थी, जो बड़ी फेयर डिमांड थी।
लेकिन वो जो फिर मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट हुई, दैट वाज आफ्टर ऑल दीज दंगा एंड फसाद जो आपके अंग्रेजों ने किया था, और उसको उसकी वजह से आपका बंटवारा हुआ। एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ क्लैरिफिकेशन आ जाए। आपने अंग्रेज़ों का जिक्र करते हुए ये कहा कि उनकी तरफ से गाय के सर काटे गए और मंदिरों के बाहर रखे गए और मुसलमानों की जानब पोर्क रखा गया या सुअर रखा गया, माफ़ कीजिएगा उर्दू अचानक। तो ये आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की जानब से हुआ? मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपका ओपिनियन आ जाए। जी, अंग्रेजों की वजह से हुआ। और जिस तरह आज के मॉडर्न एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट कौन होती है आपको तो पता नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कोई फिलोसफी नहीं है, उनके आगे के ऑब्वियसली टूल्स होते हैं, उनके लोग होते हैं, देर आर पॉपेट्स अराउंड। तो अंग्रेजों के भी देर वर पॉपेट्स अराउंड, और वो एक एस्टेब्लिशमेंट थी। द ब्रिटिशर्स वर द एस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम। फिर उनके जो टूल्स होते थे वो यूज होते थे, वो चाहे कि मुस्लिम होते थे, हिंदू भी होते थे। देर आर लॉट ऑफ पीपल इंडिया में आज बीजेपी बड़ा वो कहती है कि हिंदू राष्ट्र की बात है। अब मैं इसको उसमें समझाना चाह रहा हूँ, तो वहां पे जो बीजेपी और जो उसकी कोर प्रिंसिपल है, उसके जो फॉलोअर थे, उन्होंने तो इंडिया को मानने से इनकार कर दिया था, और वो तो गांधीन आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। लेकिन आज वो बड़ा इंडिया के तिरंगे को लेके बैठे होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो आपके मौलाना फजल रहमान है, उनके फादर ने तो पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया था। सो दीज वर द मैं वही वो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से ब्रिटिश के पपेट्स होते थे या टूल्स यूज होते थे। तो वो इस तरह के लोग होते थे, दोनों तरफ की क्लर्जी होती थी, दोनों तरफ के सोशल फैक्टर्स होते थे जिनको एक दूसरे के अगेंस्ट यूज किया जाता था। थैंक यू। अच्छा हुआ कि आपका पर्सपेक्टिव तारीख पे आ गया। इसी को इस लेंस से भी देखें कि जब पाकिस्तान बन रहा था, मैं चाहता हूँ कि इसको एक एक और लेंस से देख लिया जाए कि हिंदू और मुस्लिम के तजाद की बात तो हो रही थी, और ये बात जिस तरह डिवीजन हो गया था, आखिर में जिस तरह दंगे हो गए थे, तो ये चीज़ नज़र आ रही थी कि ये डिवीजन हमेशा रहेगा। अगर आपने मौलाना आज़ाद को देखा हो तो उनकी तरफ से भी ये बात थी कि ये डिफरेंस जिस बुनियाद पर जितनी नफरत के बाद ये सब हो रहा है, तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। आप इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? सी द डिफरेंस उनने कहा के रहेगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज टू नेशन थ्योरी आपकी जो है, वो मैं नहीं कहूँगा कि मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ या मैं उसको अग्री कर रहा हूँ, लेकिन टू नेशन थ्योरी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो एक तो 1970s में फेल हो गई, जब बंगाल पाकिस्तान से टूट गया। सही है, उसके बाद आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है जो आज का इंडिया है। तो वाई डोंट दे एज अ मुस्लिम कम टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था। लेकिन यही मिसकंसेप्शन है कि ये व्यूअर्स को पता चले, पाकिस्तान वॉज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम एज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, बट नॉट के वो इस्लामिक कंट्री बने। इसलिए उस वक्त का जो मुसलमान था उसने आने से इनकार किया कि जो इंडिया में भी नहीं है। और जिस तरह आपने सवाल पूछा कि यहाँ का हिंदू, उसको क्या इंसेंटिव था, तो हिंदू का इंसेंटिव ये था कि द हिंदू राइट नाउ मैं कहता हूँ कि नो नो ऑफेंस टू द सिंधीज लिविंग इन पाकिस्तान, लेकिन जो आज का हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, स्पेशली सिंध में, उनका जो मोहब्बत है, प्यार है सिंधु दरिया से, वो ज्यादा है और बहुत गहरी है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो दीनी किताब है, जो हमारे कल्चर है, वो सारा इसी पानी से डिराइव हुआ है, और हम वो लोग हैं जो पानी को पूजने वाले हैं। हुई डू प्रे टू द वाटर एज वेल, हुई डू प्रे टू द एयर एज वेल। तो वो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े मिलते जुलते हैं कि ये मट्टी भी हमारी है, ये पानी भी हमारा है, ये हवा भी हमारी है, और ये आग भी हमारी है, जो हमारे चार प्रिंसिपल्स हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का हिंदू नहीं गया, लेकिन फिर उसको मजबूरन जाना पड़ा। जो एग्जाम्पल आपके पास है कि 1947 के बाद एक और मेजर माइग्रेशन हुई, 2-3 साल बाद, जब आपका जोगन्नाथ मंडल गए, और उसके बाद जब कायद की डेथ हुई, तो जब तक कायद थे तो हम हुई हुई वर सेफ हियर इन पाकिस्तान। वंस वी लॉस्ट कायद, आई थिंक सो, वो फिर जो यहाँ की माइनॉरिटीज हैं, चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, जो आज के अहमदीज हैं या हिंदूज हैं या सिख हैं, उनको फिर तन्हा छोड़ दिया। मैं चाह नहीं रहा हूँ कि हिस्ट्री पे ज़्यादा बात की जाए, बात कुछ और है, लेकिन क्योंकि आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आखिर में कहा, तो अब माइनॉरिटीज़ की तमाम ही उम्मीदें सिर्फ एक शख्स से जुड़ी हुई थी। ये तो बड़ा मसला है अगर ऐसा है तो।
वो एक शख्स है, उसी पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान का पूरा बयानिया बना हुआ है कि आप की जो मॉडर्न पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, और उस पे आपने ही पूरा नैरेटिव बनाया है कि मोहम्मद अली जिन्ना वर्सेस गांधी का नैरेटिव बनाया, जबकि इंडिया में गांधी वर्सेस जिन्ना का नैरेटिव नहीं है, हमारे यहाँ ही ये नैरेटिव है। तो आप जब जिन्ना को सिनोनिमस रखते हैं और वो पाकिस्तान का बानी बनाते हैं, तो मैं उस बानी की कुछ चीजें दोहराऊंगा कि जब उसकी 11 अगस्त 1948 की स्पीच है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर चर्चेस और योर वर्शिप प्लेस, और आपको पूरी आजादी है कि आप अपना मजहब प्रीच करें, जो आपके दीन है उसको प्रीच करें, एंड स्टेट हैज नथिंग टू डू विथ योर रिलीजन। तो वो मेरे जो कायद है उसी के लफ्ज हैं, लेकिन मसला ये कि स्टेट ने उसको कभी नहीं माना। एंड वंस वही कायद था जिसने पहला चीफ जस्टिस आपका यहाँ का क्रिस्टन बनाया, वही कायद था जिसने पहला लॉ मिनिस्टर आपका एक हिंदू बनाया, हिंदू भी हिंदू दलित बनाया, नॉट द इलीट क्लास हिंदू, एक हिंदू दलित बनाया, जोगन्नाथ मंडल। तो व्हाट हैपेंड के कायद की डेथ के बाद जोगन्नाथ मंडल हैड टू लीव पाकिस्तान, और उसके बाद शायद आप अपने व्यूअर्स को इस वीडियो के साथ अगर वो लेटर भी दिखा सकें एडिट करके जो उन्होंने लियाकत अली खान को भेजा था, मैं कहता हूँ वो लेटर पाकिस्तान स्टडीज की यार किताब में वो लेटर आना चाहिए कि क्या सलूक पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर के साथ होता, बिकॉज जोगन्नाथ मंडल हिमसेल्फ वाज अ फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, तो जो आपके फाउंडिंग मेंबर के साथ क्या सलूक हुआ था, तो वो आपको बताना चाहिए व्यूअर्स। आपने आखिर में एक बात की और यहीं से मैं अगली चीज़ की बुनियाद उठाता हूँ। आपने कहा कि जिनाह साहब के बाद रियासत इस तरह तब्दील हो गई कि फिर माइनॉरिटीज़ के साथ या हिंदुओं के साथ जाता, तभी उन्हें एक सेकेंड माइग्रेशन करनी पड़ी। क्या हुआ था माइनॉरिटीज़ के साथ जिनाह साहब के बाद? जिन्ना साहब के बाद द थिंग इज के पाकिस्तान वॉज टेकन ओवर बाय द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कुछ चंद लोग जो ब्रिटिशर्स के छोड़े गए थे यहाँ पे, दे डिड नॉट लीव पाकिस्तान आइसोलेट कि बस अब पाकिस्तान आजाद है इनकी मर्जी है, दे हैड प्लांटेड देयर ओन पीपल हेयर, और वो उसने ही उसको एस्टेब्लिशमेंट बनाया जो आज के एस्टेब्लिशमेंट के कोर रूट्स यहाँ से मिलते हैं। उसमें जो लोग थे, आप मुझे बताएं, आपका फाउंडिंग फादर, आपका बानी, आपका फाउंडर, उसकी एम्बुलेंस का फ्यूल खत्म हो जाता है विच डजंट मेक सेंस अगेन, और उसके बाद आपके फाउंडिंग फादर छोड़ जाते हैं, तो देर वॉज समथिंग रॉन्ग एंड दे वॉन्टेड टू क्रिएट दिस नैरेटिव। अगर व्यूअर्स को ये भी तो नहीं पता होगा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था, इट वॉज अ डोमिनियन रिपब्लिक, और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक काफी साल बाद बना है, तो जिन्ना साहब के होते हुए इट वॉज नेवर पॉसिबल कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बनता, क्योंकि मैं तो जनाब को बड़ा सेक्युलर मानता हूँ इन माई पर्सनल कैपेसिटी, और विच इज वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज ओपिनियंस, हिज व्यूज, हिज प्रैक्टिस एज वेल। तो मैं जब कहता हूँ कि जिन्ना साहब के होते हुए इस्लामिक रिपब्लिक अगर पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो जिन्ना को मारना भी लाजमी था, और उसके बाद जो यहाँ पे बचे कुचे लोग थे उनको माइग्रेट करवाना भी लाजमी था, और दंगे फसाद फिर आपने देखे कि नॉर्दर्न सिंध में बड़े दंगे फसाद हुए, और आपका जो थरपारकर का एरिया है, जो उमरकोट है, वहां पे दंगे फसाद पॉसिबल इसलिए नहीं थे क्योंकि वहां पे जो मेजोरिटी है वो हिंदूज की थी, और अगर वहां पे दंगे फसाद होते तो जो आपका आज का उमरकोट है, इसको उमर के नाम से कहा जाता है, इट वॉज एक्चुअली अमरकोट राणा अमर सिंह के नाम से, तो अमरकोट वो फिर दे कुड हैव डिसाइडेड कि वो इंडिया की तरफ जाए, क्योंकि हर प्रिंसली स्टेट को ये कहा गया था कि आपकी मर्जी है आप किस तरफ जाना चाहते हैं, और उमरकोट वैसे ही बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, वहां पे दंगे फसाद इजी नहीं थे, नॉर्दर्न सिंध में दंगे फसाद कराना इजी थे, तो फिर क्या किया गया उस वक्त के जो स्टेक होल्डर्स पोस्ट कायदेजम की डेथ के, दंगे फसाद हुए और जो हिंदू क्लर्ची है उसको मारना स्टार्ट किया गया, और जिसमें बहुत से लोग मारे भी गए हिंदू मुस्लिम दोनों, और उसके बाद मजबूरन लोगों को यहाँ पे इंडिया जाना पड़ा और दरबदर होना पड़ा। अब हम आज के पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छा हुआ आपका तारीफ पर्सपेक्टिव आ गया। आज के पाकिस्तान को अगर आप देखें तो कोई स्पीच हो, कोई कोई सियासी रहनुमा कह रहा हो या आम आवाम भी रोज़ बरोज़ इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं। ज़ाहिर है उसकी इंटरप्रिटेशन हर किसी की अलग है। एज अ नॉन मुस्लिम इन पाकिस्तान, क्योंकि अगर इस्लामिक स्टेट बन जाती है तो मुसलमान वर्सेज नॉन मुस्लिम का डिवाइड तो बहुत बहुत वाजह हो जाएगा।
इस आर्ग्यूमेंट को, इस चाहत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो ये जो टर्म है नॉन मुस्लिम, मैं इसे अग्री नहीं करता। उसका रीजन ये है कि जब आप नॉन मुस्लिम कहते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप मेरी आइडेंटिटी नेगेट कर देते हैं, और वैसे इट्स नॉट योर फॉल्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये एक डेरोगेटरी टर्म है नॉन मुस्लिम के। आप मुस्लिम को एक मेजोरिटी आइडेंटिटी बता के बाकियों को गैर कर रहे हो, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो अभी करंटली 4-5 सालों में वापस उसने उरूज पाया है कि रियासत मदीना और पाकिस्तान एक जो मदीना की रियासत थी उसके ऊपर उसको बनाना है, हमने फ्लोरिश करना है। पहली बात तो अगेन मैंने वही चीज मैं उसको रिवाइज करूंगा कि पाकिस्तान वॉज नेवर मेड एज एन इस्लामिक स्टेट। इट वॉज मेड एज अ स्टेट विथ मुस्लिम मेजोरिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स एंड द अदर माइनॉरिटीज, क्योंकि मुस्लिम जो माइनॉरिटीज थी उनके लिए स्टेट बना था और डोमिनेंट रिपब्लिक था, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई फिर इस्लामिक रिपब्लिक किया गया। एक ये हो गया। तो अब जब एक एक चीज हो गई है, वी कैन नॉट अनडू दैट, लेकिन मैं कहता हूं कि चलें आप इसको इस्लामिक स्टेट ही बनाए और प्रॉपर इस्लामिक स्टेट बनाए तो उसको इम्प्लीमेंटेशन तो करें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करते हैं तो उनपे जब कचरा फेंका जाता था, जो औरत फेंकती थी, जब वो बीमार हुई और जब वो कुछ दिन उन्होंने देखा कि वो औरत ने कचरा नहीं फेंका, सो ही वेंट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ही वेंट टू दैट लेडी और उनसे उनकी तबीयत पूछी, उनसे उनका हाल पूछा। तो जब आप जिस नबी के नाम पे ये पूरा इस्लाम फ्लरिश हुआ है और जो आखिरी पैगंबर है, जब उनकी इस तरह का एक्ट था, द एक्ट ऑफ काइंडनेस मैं कहूंगा, तो व्हाई कैन नॉट द स्टेट, द इस्लामिक स्टेट एंड द पीपल इन द इस्लामिक स्टेट बी लाइक दैट। अनदर एग्जांपल इज के हजरत अली ने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है, क्योंकि वहां पे ज्यूश पे रहते थे आपको पता होगा, तो वो उनको मैं सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन और उनका वेलफेयर और वेलबींग पे ख्याल करूं, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो नहीं करेंगे और ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। अनदर इंसिडेंट के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरमन है ये बाकायदा, और मैं वो लफ्ज नहीं दोहरा सकता, जाहिर बात है, क्योंकि वो A to Z मुझे याद नहीं, लेकिन उसका जो मैसेज था फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड अदर माइनॉरिटीज एज वेल, स्पेशली क्रिश्चियन के लिए ये था। मैंने अभी वो शाज़िर खानज़ादा के शो पे भी उसको सुना था और फिर मैंने उसको पढ़ा भी था कि द लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ही सेड कि द क्रिश्चियंस आर द पीपल जिनकी सेफ गार्ड जिनकी सेफ्टी ये मेरी ड्यूटी है, और मैं मुसलमानों को कहता हूँ ये आप सबकी जिम्मेदारी है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। आप इन पे जुल्म भी नहीं करेंगे, इन पे जबर भी नहीं करेंगे, इनको कन्वर्ट होने के लिए मजबूर भी नहीं करेंगे। हाँ, आप अपना मजहब प्रीच जरूर करेंगे और अगर ये मुतासर होके ये मुसलमान होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो, लेकिन आप इनको कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, और अगर शादी भी होती है तो फिर भी क्योंकि ये अहले किताब हैं, आप इनको जोर जबरदस्ती इन पे नहीं की जाएगी कि अपना मजहब तब्दील करें। और टिल द इस्लाम इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, जो वर्ल्डली ग्लोबल एक है हमारा दुनिया, जब तक कायम और है और जब तक इस्लाम है, तो आपने यही रूल्स इसको फॉलो करने हैं। और वो जो लेटर था लिखा गया था वो आज भी चर्च में अवेलेबल है। मैम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द चर्च नेम, मैं आपको बताऊंगा। वो आज भी लेटर, मतलब उन्होंने हुजूर के जो लफ्ज थे उनको उन्होंने ज्यादा सेफगार्ड किया हुआ रादर देन यू द करंट मुस्लिम्स या जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं जो कहते हैं कि आप माइनॉरिटीज को बस खत्म करें। बेवज भाई, आप चेरी पिक नहीं कर रहे हैं, ये मौजू नहीं है, मैं चाहता हूँ आगे बढ़ूँ, लेकिन आपने ये बात की, आप चेरी पिक नहीं कर रहे, आप चंद वाकयात बता रहे हैं, और चले अगर हम उसको उनके सेंस में देख भी लें तो वो अहले किताब के साथ थे, जो मूर्तियों के, जो मूर्तियों को पूजने वाले हैं या जो उस तरह के मामले करते हैं, या अगर इस्लामिक स्टेट को भी देखें, उसने भी एक्सपेंशन तो की ना, उसने भी तलवार के जोर पे आके जाके काम किया, बुत तोड़े गए, तमाम चीजें हुई, तो आप चेरी पिक कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पे चेरी पिक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि द रिलीजन यू फॉलो व्हाट दैट रिलीजन सेज,
मैं वही वाली बात है कि आई लाइक टू लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, मैं ऑप्टिमिस्ट ज्यादा नहीं रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रैक्टिकल सोच पे बात की जाए, आप हुजूर की बात करते हैं, आप आखिरी पैगंबर और उसकी तौहीन की बात करते हैं, तो उसकी रसालत की बात करते हैं, तो मैं उनके लफ्ज ही दोहरा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट आते होंगे भी, आए होंगे भी, लेकिन आई लाइक टू, अगर उसको चेरी पिक भी कहें, लेकिन आई लाइक टू पिक द पॉजिटिव्स आउट ऑफ दैट। इज इट द रीजन कि आप एक मुसलमान मेजोरिटी कंट्री में रहते हैं, और अगर आप अपने नेगेटिव साइड बात भी करें तो आपकी जो जान पहले मुश्किल है, हम आगे बात करेंगे वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दैट कैन बी अ वेरी गुड रीजन, लेकिन क्योंकि मैं हैदराबाद में बहुत ज्यादा रहा हूँ और कराची में लेटली 5-6-7 साल हुए, लेकिन हैदराबाद में जो मेजोरिटी मेरा सर्कल था वो मुस्लिम सर्कल था, सो वी हैव लिव्ड देयर फॉर पीस। और अभी कराची में भी मैं कुछ ना कुछ, कराची ज्यादा कंपेरेटिवली रेडिकल था हैदराबाद से या जो बाकी सिंध है उससे, लेकिन इन टोटल मैं जहाँ पे रहा हूँ और जो मेरा सोशल सर्किल है, तो वो इन्हीं ख्यालात को एंडोर्स करते हैं, तो मैं उसी आइडियोलॉजी को एंडोर्स करूंगा जो मेरे मुसलमान दोस्त मुझे बताते हैं, रादर देन द रेडिकल्स प्रीचिंग समथिंग जो मेरे हिसाब से अगर इस्लाम कहता है या कहता नहीं है वो उनको पता, लेकिन जो मैंने सुना है और जो वो प्रैक्टिस करते हैं, मैंने वही बताया ना, आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग। मैं देखता हूँ कि मुसलमान जो अच्छाई की बात भी करा और वो अच्छा दिख के भी दिखा रहा, तो अगर मेरा दोस्त है कोई या उसका कोई दोस्त है वो कुछ बात भी ऐसे करता है, और वो ऑब्वियसली ये जो मैंने बताया हजरत अली की बात करते हैं कुछ, और वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सो ऑब्वियसली आई विल फॉलो दैट। और प्रैक्टिकली हम ऑन ग्राउंड इसके ऑपोजिट भी तो देखते हैं, जो लोग हेट स्पीच करते हैं और फिर लोगों को मार भी देते हैं, तो प्रैक्टिकली तो वो भी फॉलो कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। नहीं, वो फिर वही है ना कि आपको उनके मुंह से कभी ये चीजें सुनाई नहीं देंगी, वो तो फिर प्रैक्टिकली दूसरी चीजें फॉलो कर रहे हैं ना, हाँ, मैं यू वही कह रहा हूँ, नेवर, फिर अगर प्रैक्टिकली पिक करना है तो फिर आसान वाला क्यों और मुश्किल वाला क्यों है? नहीं यू नेवर हियर देम प्रीचिंग दीज थिंग्स ना, वो उस चीज को प्रीच ही नहीं करते ना, वो तो उनकी वही बात है कि द इंटरप्रिटेशन इज टोटली डिफरेंट, आपके ये जो समन्स हैं, आपकी कोई सुन्नत है, वो भी उनकी है, जैसे आप में तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि शिया स्कूल ऑफ थॉट है, सुनी स्कूल ऑफ थॉट है, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है, दियोबंदी स्कूल ऑफ थॉट है, तो आपके इंटरप्रिटेशन ही डिफरेंट है, तो मैं तो उसी इंटरप्रिटेशन की तरफ ज्यादा जाता हूँ या अपने आप को अलाइन रखता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि ये कंपेरेटिवली इज द राइट थिंग, रादर देन के आपकी तो मतलब अगेन इस्लाम इटसेल्फ में देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सेक्ट्स। बेहोश भी, अगर आप इसको इस सिचुएशन में देखें आपकी बातों से, अभी हम माइनॉरिटीज की मुश्किल की तरफ तो गए ही नहीं है, आपकी बातों से महसूस ये होता है कि इस्लाम भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है, पर आप लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? नहीं, मैं हर मजहब में पॉजिटिव्स होते हैं नेगेटिव्स होते हैं, और अगर आप किसी मुसलमान को यहाँ पे बिठाते हैं तो वो द टोटली डिपेंड्स ऑन हिम कि वो हिंदुइज्म के पॉजिटिव्स निकाल के आपको दिखा रहा है या नेगेटिव्स ला के दिखा रहा है, लेकिन मैं अगेन अप्रोच पे बात कर रहा हूँ, और अगर हमें हार्मनी से यहाँ पे रहना है या पूरी दुनिया में रहना है देन वी हैव टू फॉलो दिस थिंग। और मैं वही अगेन यूल गेट मैनी स्पीकर्स ऑन बोर्ड जो आपके साथ बड़ी अनप्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्ट बातें करेंगे कि हम पाकिस्तान को सेकुलर बना देंगे, ये करेंगे, मैं बड़ा प्रैक्टिकली देखता हूँ जो चीज़ हो भी सकती है नहीं हो सकती, और देन वी फाइट फॉर दैट सिस्टम, हमें को एग्जिस्ट होके रहना है, और हमें पाकिस्तान की भी जो आइडियोलॉजी और जो ऑब्वियसली द मेजोरिटी रिलीजन है या जिसको द स्टेट रिलीजन अभी कहा जाता है इस्लाम, उसको भी देखते हुए चलना है। सही, आगे बढ़ते हैं हम। आपने जो बात की कि आपके दोस्त हैं और जनरेशन जिनको आप देखते हैं कि वो कुछ रेडिकल होंगे भी जाहिर है, लेकिन आपके जो कांटेक्ट में है वो रेडिकल नहीं है, इसी को ज़रा अगर हम इस आर्गुमेंट से देखें कि आपने देखा होगा किताबें, जाहिर है आपने भी पढ़ी हैं पाकिस्तान की तारीख की, जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं उसमें हिंदूज को अमूमी तौर पर कलेक्टिवली डिमोनाइज किया जाता है, ईविल बना के पेश किया जाता है, हम सब इसको देखते हैं। इस सिचुएशन में आपको आपको तजाद महसूस नहीं होता कि जो नई जनरेशन है या जो तमाम की जनरेशन है, किताबें तो सब पढ़ते हैं, वो हिंदू हेट के साथ पैदा होंगे और फिर प्रैक्टिकली जाके वो अगर बेहतर हो जाए तो इसको आप किस तरह देखते हैं, इस तजाद को? मैं उस चीज का बता रहा हूँ, आप बचपन से जब आप पढ़ते हैं, आई एम श्योर आपने भी पाकिस्तान में पढ़ा होगा, तो उर्दू की किताब में भी आपको
इस्लाम के फजाइल बताए जाएंगे, और वहाँ पे बिल्कुल इस तरह बताया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्लास कि इस्लाम इज द नाइसेस्ट एंड द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, एंड बाकी जो मजाहब हैं वो उनका जिक्र भी नहीं होगा। तो जब हमारा बच्चा है उस चीज को देखता है तो उसकी ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग क्या होती है कि यार मेरा मजहब तो बिल्कुल इसकी बात ही नहीं हो रही, इस्लाम से इंस्पायर होना। तो एक तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर के जो बिल्कुल स्टेट इंजेक्ट करना चाहता है इन द यंगर जनरेशन। फिर आप थोड़े बड़े होते हैं तो फिर आपको वही बात है कि टू नेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है। टू नेशन थ्योरी भी जिस तरह हमने अर्लियर एक्सप्लेन की, स्टेट किस तरह एक्सप्लेन करा है और रियलिटी क्या है, तो टू नेशन थ्योरी स्टेट अपने एक नैरेटिव के साथ बताता है। उसके बाद ये बताता है कि आप को एक, मैं बड़ा सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में वर्डिंग यूज कराऊंगा, बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अंग्रेजों से और हिंदुओं से आजादी ली। ये टर्म सुना होगा हमने, अंग्रेज इस अ रीजनल वर्ड वर्ड, मतलब वो किसी एथनिसिटी को या किसी रिलीजन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अंग्रेज कैन बी एनीवन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जीव, लेकिन हिंदू इज अ रिलीजियस वोकैबलरी। जब आप एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए स्पेसिफिक वोकैबलरी स्टार्ट करें, आप कह सकते हो ना कि अंग्रेज में भी कि कौन से अंग्रेज से, किसी क्रिश्चियन से आजादी ली या आपने किसी मुसलमान अंग्रेज से आजादी ली, तो वहां पे एक तो कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे तजाद तो आ ही जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप हिंदुओं से बात करते हैं, एंड दिस हैज हैपेंड टू मी एंड इवन माय लिटिल सिस्टर एंड मेनी ऑफ द पीपल आई नो, कि बच्चा जब आप, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्लास में और मेरे, मुझे पूरी क्लास घूरना स्टार्ट हो जाएगी, ये तो हिंदू है, हमने इनसे आजादी ली थी। तो आजादी अब क्यों ली थी, अब इसको भी सुने कि हिंदू हमारी मस्जिदों में पॉक फेंकते थे, और ये नहीं बताते कि मंदिरों के बाहर भी ये फेंका जाता था। सो वही बात है कि स्टेट ने बड़ा चेरी पिक करके एक अपना नैरेटिव बनाया है, और वो नैरेटिव स्टार्ट से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है टिल द 12th स्टैंडर्ड। एक प्रॉपरली है ना, एक स्पेसिफिक लेवल से उन्होंने बनाए हुए हैं कि यहाँ यहाँ तक हमें ब्रेन वॉश करना है। और जब आप 12वीं क्लास में पहुंचते हो तो आप अगेन एक रेडिकल सोच के इंसान को है ना आप पाते हो, और उसका वही होता है कि हमें बस इस इंसान को, ये मुल्क हिंदुओं का नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, हमने हिंदुओं से आजादी ली है, और लेट्स से देम गो बैक टू इंडिया, और नहीं जाते तो फिर इनको मार दो या इनसे इस्लाम कबूल कराओ। और फिर किताबों में आपने बढ़ चढ़ कर इन्वेडर्स को, आपने लूटर्स को, ठग्स को ग्लोरीफाई किया, आपने अलाउद्दीन खिलजी का 3 4 दफा आपने उसको बताया है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की, उर्दू की किताब में, सिंधी की किताब में, कि अलाउद्दीन खिलजी, उसने सोमनाथ पे इतनी दफा अटैक किया, और उस वो अटैक करता गया करता गया करता गया जब तक तो उसको सोना नहीं मिला। मतलब आप उसको इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, उसको ग्रेसफुली बताते हैं कि ये अच्छी बात है कि किसी के मंदिर पे 15 16 दफा अटैक करना और जब तक ना छोड़ना, जब तक वहां से सोना ना मिले। तो अल्टीमेटली जो आपका मुसलमान बच्चा है जिसका फॉल्ट नहीं है, वो जो चीजें घर से भी नहीं सीखता, वो किताब से पढ़ के क्या सीख रहा है कि यार अलाउद्दीन खिलजी ने, जब मेरा मेरा जो बड़ा है या मेरे एंसेस्टर है उसने ये हरकत की है, तो फिर तो मुझे भी तलवार उठाना लाजिम है। तो वो भी फिर तलवार उठाता है, और फिर जो वही होता है जो आपका मशल खान से लेके, और जो अभी श्रीलंका का भाई आया हुआ था उसके साथ हुआ, तो फिर वही चीजें होती हैं। महेश भाई, सिर्फ एक करेक्शन, आप भी मेरी इसमें तसदीक कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि सोमनाथ पे हमला महमूद गजनवी ने किया था। मैं सिर्फ करेक्शन के लिए, सॉरी, जी, हाँ, मैं सिर्फ करेक्शन के लिए। मुझे ना, मैं अमूमी तौर पर इस तरह करता नहीं। मुझे पता है कि मैं एक ही चीज़ को रिपीट करूं, मुझे एक एक तजाद महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप उस पर आखिरी बार कमेंट कर लें, फिर मैं सब आगे चलेंगे। एक तरफ आप इस्लाम के पॉजिटिव पिक कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक तरफ आप जिन्हा को सेक्युलर की तरह देख रहे हैं, अच्छी बात है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि हिंदू हेट्रेड पढ़ाई जा रही है, जिस पे हमने भी बात भी की, हम आगे भी करेंगे। वहीं पे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जंगो जदाल भी होता है, लेकिन आपके चंद दोस्त हैं जो इस तरह, या प्रैक्टिकली जो आपकी गैदरिंग है वो इस तरह नहीं करती। एज ए ले मैन मुझे तजाद महसूस हो रहा है, मैं इसको किस तरह प्लेस करूँ? वेरी, अगर वही बात है, आप लेमन कह रहे हैं, ए बीइंग अ लेमन पर्सन, मैं उस चीज की कह रहा हूँ कि देर आर गुड्स, देर आर प्रोज एंड कॉन्स इन एवरी रिलीजन। अगर आप किसी दूसरे मजहब को बिठाएंगे
वो मेरे मजहब के कॉन्स भी ढूंढ सकता है, वो प्रोस भी ढूंढ सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हिज अप्रोच, या वो रैशनल अप्रोच ले सकता है। मैं अभी यहाँ पे बैठ के मैं इस्लाम के कॉन्स भी गिनवा सकता हूँ कि वो स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द वुमेन, किस तरह एक रिग्रेसिव सोच है वहां पे, और किस तरह फिर मैं ये भी बता सकता हूँ कि वहां पे ये भी कहा गया कि जो वुमेन है, द फर्स्ट वुमेन है एंटरप्रेन्योर, वो भी हुजूर की फैमिली से थी। तो मैं इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई अप्रोच, में बताना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन जो आपकी मासेज है ना, जो अभी आपका जब आप अपलोड करेंगे वो देखेंगी, अगर मैं उनको बैठ के इस्लाम के कॉन्स बताऊं तो मे बी द मेजोरिटी ऑफ देम वुड रादर स्टार्ट फॉलोइंग दोस कॉन्स। मैं तो वही प्रोज बताऊंगा जो मुझे सेफगार्ड करते हैं, जो इस स्टेट के नैरेटिव है उसके अगेंस्ट भी हैं, और जो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम या एनी अदर माइनॉरिटी उसको पैरेलल लेके चलने की बात करते हैं फॉर द स्टेट, और जो स्टेट को बाउंड करते हैं कि आपने माइनॉरिटीज के वेलफेयर की बात करनी है। सो यस आई एम नेट पिकिंग, मैं स्पेसिफिकली वही प्रोस चूज कर रहा हूँ या उसको पिक कर रहा हूँ कि जो मुझे सेफ गार्ड करें या मेरे इंटरेस्ट की, बिकॉज इस्लाम इज अगेन ऑफ नो इंटरेस्ट टू मी एज एन इंडिविजुअल बींग हिंदू, लेकिन वो मुसलमान के इंटरेस्ट का तो है ना, उसका तो मजहब है। अगर मैं उसके मजहब के बारे में आपके प्लेटफॉर्म से उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके मजहब में ये अच्छाइयाँ भी हैं, क्योंकि योर इंटरव्यू वुड भी, मैंने पास्टर गजाले के नीचे कमेंट सेक्शन देखे थे, अगर 70% पॉजिटिव कमेंट्स थे, देर 30% कमेंट्स या 20% कमेंट्स जो कह रहे थे कि ये तो वही बातें कर रोना धोना कर रही है, असाइलम के लिए कह रही है। तो जब वही बात है कि मैं यहाँ पे असाइलम, मुझे तो वैसे हम हिंदुओं को कोई देता भी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बात करूं तो मैं उन्हीं जो 20-30% ने जो ऐसे कमेंट करे, तो मैं उनको यही बताऊं कि आपके मजहब में ये भी बात है कि को एग्जिस्टेंस की बात है, एंड इट हैज क्लियरली डायरेक्टेड द स्टेट कि आपने जो माइनॉरिटीज है उनके वेलफेयर का ये बात करना है। इट्स नॉट समथिंग कि आप का मुसलमान है उसको आप पेट भर के खाना खिलाएं और हिंदू को या क्रिश्चियन को भूखा छोड़ें। हम अच्छे अच्छा हुआ आपका नैरेटिव इस पे पॉइंट आ गया। हमने ये बात जहाँ से शुरू की थी मैं उसको वहीं से जोड़ता हूँ। हमने टेक्स्ट बुक्स की बात की थी कि जिस तरह उसमें हिंदू हेट्रेड या और मैं नॉन मुस्लिम डेरोगेटरी नहीं कह रहा, मैं आपकी आइडेंटिटी भी नहीं छीन रहा, मैं सिर्फ वो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि हमारी किताबों में आपने देखा है कि वो मुसलमानों के अलावा तमाम ही डीमंस है ना, तो मैं उनको एक कैटेगरी में अपनी आसानी के लिए डाल रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन में हम जो जनरेशन बड़ी कर रहे हैं, जाहिर है अगर उनमें से कोई प्रैक्टिकली उसको ना भी समझे लेकिन चंद के जहनों में ये रह जाएगा, तो आपके लिए तो ये लॉस्ट बैटल है। आप तो हमेशा सेकेंड रेट सिटीजन्स रहेंगे पाकिस्तान में। आई थिंक सो, जब आपका करिकुलम है जो लेटली FATF की डायरेक्शन आई थी उसके बाद उसको चेंज भी किया गया है, और उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने उस करिकुलम में स्पेशली अपना फीडबैक भी दिया गया है, और वो उनको FATF की वजह से बाहर से, मैं वो वर्ड बड़ा स्पेसिफिकली उसको यूज भी करूंगा कि डंडा आया हमारी रियासत को कि आपने जो प्लूरल नैरेटिव है वो अपनाना है, जबकि इतना इजी नहीं है कि डंडे के बावजूद। लेकिन अभी स्लोली ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि जो बच्चे थे जिनको हमें भी इस्लामियत पढ़ाई जाती थी, या अच्छा एक तो हमें इस्लामियत पढ़ाई जाती थी, दूसरा हमें एथिक्स या सिविक्स पढ़ाई जाती थी। मतलब एथिक्स एंड सिविक्स इज अ सब्जेक्ट विच शुड बी टॉट, लेकिन वो सबको पढ़ाना चाहिए। इस तरह तो नहीं हो सकता कि मुसलमान तहजीब वाला है और वो तमीज़दार और हम बदतहजीब है, हमें सिविक्स और एथिक्स पढ़ाई जा रही है और उसको उसका मजहब पढ़ाया जा रहा है। तो अभी उनको कहा गया है कि आपने फ्रॉम 1 to 12 आपने ऑप्शंस देने हैं हर बच्चे को कि वो उसका मजहबी किताब इन द करिकुलम शुड बी अवेलेबल, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, और उसके बाद आपने टीचर्स भी अलॉट करने हैं जो उनके किताब उनको पढ़ा सकें। तो आई थिंक सो कोर्स है बन चुका है, ये नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर में होपफुली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट एजुकेशन ईयर आएगा, और होना सिंध में तो स्टार्ट भी थोड़ा बहुत हो गया है और कहीं कहीं भी किताब पे, और ये भी बताया गया है कि जैसे आपने सिंधी में आप नात और हम्द की बात करते हैं, उर्दू में नात और हम्द की बात करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, तो वहां पे आपने उनके फेस्टिवल्स और जो प्लूरल इंक्लूसिव चीजें हैं वो भी आपने दिखानी है, कि दिवाली भी इसी मुल्क में होती है, होली भी होती है, आपका क्रिसमस भी होती है, आपका दूसरे फेस्टिवल्स भी होते हैं, इट्स नॉट ओनली ईद मुहर्रम। तो लेकिन वही बात है कि वो डंडा कब तक
स्टेट फॉलो करती है, और स्टेट खुद क्यों नहीं रियलाइज करती कि ये चीजें को एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। और आपने हिंदुओं को और जो दूसरी माइनॉरिटीज को उसको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट नहीं करना, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन है। डंडा इज टेम्पररी, पाकिस्तान एफएटीएफ जब उसे जब ग्रे लिस्ट से निकल गया है, तो अब वही बात है कि अगेन वी विल स्टार्ट डूइंग द मिस्टेक्स व्हिच वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट सो मेनी डिकेड्स। तो ये खुद एक सेल्फ रियलाइजेशन है, लेकिन वो होगी कब? दो चीजें हैं, जब आप जैसे लोग, आप जैसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ से ये बात है कॉमन मासेस तक जाएंगी, व्हेन द मासेस वुड बी स्टार्ट व्हेन द मासेस वुड स्टार्ट डिमांडिंग दीज थिंग्स। और जब आपका बच्चा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो रादर देन वो किताब, वो आप जैसे पॉडकास्ट ही सुनता है या वो इंक्लूसिव ये चीजें सुनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स लाइक हकीकत टीवी वगैरह जो इसी तरीके को पीच करते हैं, जो आपका रेडिकल इस्लाम है उसको पीच करते हैं, लेकिन स्टेट को खुद सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा। और वो जब करेंगे, जब मासेस जो देख रही हैं वो मैसिवली इस चीज को डिमांड करें कि हम इंक्लूसिव पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान फॉर ऑल, नॉट ओनली कि आपने पूरा ही वो सफेद को हटा के हरा कर देना है। पीयूष भाई, अपना सवाल दोहराता हूँ। आपने भी उसके एंड में मेरे अगले सवाल की बुनियाद रख दी। आपने फेटिफ का जिक्र किया, लेकिन उसी के साथ सिंगल नेशनल करिकुलम में जो चीजें ऐड कर दी गई हैं, आपने खुद भी देखा होगा जो किस हद तक रेडिकलाइजेशन करने वाली हैं। आपने खुद कहा कि डंडा कब तक रहता है, कब तक नहीं। स्टेट का क्या किरदार है, मैं उस पर 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आर्ट यू फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल? इस तरह की सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, डंडा जब भी हट जाए, आप तो सेकेंड ग्रेड सिटीजन ही रहेंगे। अगर मैं उसको नैरो टनल से देखूं, जो आपका टनल है, मैं टनल विजन से देखूं, तो मुझे तो दूर दूर तक एक लॉस्ट बैटल ही नजर आता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं प्रैक्टिकली। लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत एफर्ट, मुझे जैसा एक्टिविस्ट या पास्टर गजाला शफीक जैसे एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी है, जो हमारे समाजी दोस्त हैं, आप जैसे हैं पास भाई, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत एफर्ट पुट इन करते हैं। 5-6 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि औरत मार्च नाम का भी कोई चीज होगी हुई, और फिर 5-6 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि माइनॉरिटी राइट्स मार्च नाम की भी कोई चीज होगी हुई। तो दिस इज अ स्लो प्रोग्रेस आई थिंक सो, लेकिन वो स्लो प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो है, क्योंकि आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स पे जो एक जजमेंट आई थी 2014 में, उसको आज 2023 होने को आया है। और वो आई थिंक सो वो जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन, बड़ी इरेलीवेंट बात अभी कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कितना स्लो प्रोग्रेस है इस मुल्क में, कि वो 2014 की जजमेंट आज 2023 है, अभी तक कैन यू इमेजिन उस पर 30% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की जो जजमेंट थी ऑन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, 30% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब सोचें कि 9 साल में 30% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो बाकी 70% इम्प्लीमेंटेशन के लिए दैट वुड टेक हार्डली 30 to 40 years। तो स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन एटलीस्ट ये कुछ कुछ जो जजमेंट्स होती हैं, कुछ कुछ एफर्ट्स होती हैं, वो बड़ा एक ब्राइट साइड दिखाती हैं। लेकिन अगेन अगर मैं टनल विजन से देखूं, तो मुझे तो दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भी अगले सवालों पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन ले कर दी जाए। एज ए हिंदू, पाकिस्तान में हमारे कल्चर में, हमारे पब्लिक ऑफिसेज में, हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है जो एक एक माइनॉरिटी का बंदा फेस करता है, या स्पेशली हिंदू फेस करता है? अच्छा, बीइंग अ हिंदू, मैं दो चीजें बताऊंगा कि इवन जो हिंदुइज्म है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन है, शेड्यूल कास्ट वर्सेस नॉन शेड्यूल कास्ट, जो अपर एलीट क्लास है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ तक नहीं रहती कि वो आपके मजहब तक महदूद नहीं रहती। वो फिर क्या होता है कि जब दूर से बैठ के मुसलमान देखता है कि ये ब्राह्मण इसके साथ खाना नहीं खा रहा अपने ही मजहब के बंदे के साथ, तो फिर वो भी उसके साथ वही रवैया रखता है। फिर वो आगे चीज इस चीज को प्रोपोगेट करती है कि आप के सैनिटरी वर्कर्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर उसमें बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है फॉर हिंदूज एंड क्रिश्चियन ओनली, या फॉर नॉन मुस्लिम ओनली मेंशन किया जाता है। उसके बाद ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि जो आपका कॉमन डिस्कोर्स है, जो रोजमर्रा का डिस्कोर्स है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आई एम जस्ट वेटिंग अभी स्टार्ट हो, तो फिर वही मतलब इस मुल्क में मैं इफ आई स्टार्ट अब आई थिंक सो बहुत कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, कम नहीं हुआ, बेटर हुआ है। लेकिन 10 साल पहले, 8 साल पहले जब फेसबुक पे आई यूज टू एडमायर महेंद्र सिंह धोनी अलॉट,
लेकिन मैं उसकी पोस्ट लगाता था तो उसके नीचे वही कमेंट्स आ जाते थे कि यू आर इंडियन, यू शुड गो टू इंडिया। लेकिन अब ये है कि वी हैव स्टार्टेड एडमायरिंग विराट कोहली एज वेल, एंड आई इक्वली एडमायर बाबर आजम एज वेल, एंड माई फेवरेट प्लेयर वॉज वंस शायद अफरीदी। लेकिन द थिंग इज कि जैसे एक क्रिकेट मैच आता है तो आपको बोला जाता है कि आप तो इंडिया को ही सपोर्ट करोगे, ये जो है ना इसको कैजुअल बिजेटरी कहते हैं। मतलब आपका आपने उसको इतना कैजुअलाइज कर लिया है। फिर दूसरी बात है कि आपके एलओसी पे कोई टेंशन हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है, फिर भी आपसे बड़ा कैजुअली पूछा जाता है कि भविष्य यार तुम तो इंडिया को ही सपोर्ट करोगे अगर जंग होगी। भाई मैं इंडिया को क्यों सपोर्ट करूंगा, दैट डजेंट मेक सेंस। एंड पीपल डू नॉट रियलाइज कि मी इंक्लूडिंग मेरे साथ पूछते हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिस वेरी कंट्री। और जो अच्छा सामने से कहते भी कौन है कि जो खुद 47 के बाद आए, अपना मुल्क छोड़ के आए, तो हमने तो फिर भी अपना वतन नहीं छोड़ा। विच शुड बी एक्नॉलेज अप्रिशिएटेड। चले उसको अप्रिशिएट एक्नॉलेज नहीं करते, आप उसको डिमोरलाइज ऐसे करते हैं कि आपने तो इंडिया ही को सपोर्ट करना होगा या इंडिया जाना होगा, रादर देन अप्रिशिएटिंग के यार ये इसी मुल्क में रहे, इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए, इसकी कामयाबी या सक्सेस में कोई रोल प्ले कर रहे हैं। रश्मि, आपको फिर आपकी ही जवाब से ये महसूस नहीं होता कि आप हमेशा फिर मेजोरिटी के रहमो करम पर ही हैं, कि वो हुकूक देता तो ले लेंगे और वो जो चाहे वो कहे तो सुन लेंगे बस, और क्या कह अच्छा सकते। दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका वही बात है कि कॉमन मासेस के हाथों में कितनी चीजें हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि मेजोरिटी, क्या मेजोरिटी के भी हाथों में चीज है। मेरा अगेन आपसे क्रॉस क्वेश्चन है कि हम मेजोरिटी की बात करते हैं कि मेजोरिटी के भी हाथों में चीज है, या मेजोरिटी को भी कोई 8-10 लोग या 80-100 लोग चला रहे हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार अमीर गरीब की बात होती है, मैं कहता हूँ अमीर के भी हाथ में क्या चीज है, या अमीर को भी अमीर से ज्यादा अमीर, वो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, एक बीच में वो एक फिल्म थी, उसमें बिग बॉस में था कि मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन हर इलीट के ऊपर भी एक इलीट है, हर इलीट के ऊपर भी एक इलीट है, लेकिन सबको चलाने वाला बाप एक है। अब दैट वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके हाथ में है कि वो इस मेजोरिटी को क्या प्रीच करती है। मुशरफ के टाइम पे या पोस्ट मुशरफ, जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, कंपैरेटिवली हमने देखा कि इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर थे, तो यहाँ पे जो हिंदूज थे उनके साथ भी रिएक्शन बेहतर होना स्टार्ट हुआ। लेकिन वंस अगेन हमने देखा कि टिल्ट आना स्टार्ट हुआ, आपने वो जो इंडिया का नैरेटिव था कि एंटी मोदी नैरेटिव है, एंटी इंडिया नैरेटिव है, वो जब आपने अपनाया तो यहाँ पे जो रेत होती है वो हमें फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे जो हार्श बिहेवियर है मेजोरिटी का वो फिर हमें फेस करना पड़ता है। सो टोटली डिपेंड्स कि स्टेट किस तरह, स्टेट ने 2015-16 में टीएलपी बनाई, अब उसको ही खाई जा रही है। तो वही वाली बात है कि मैं कहता हूँ मेजोरिटी के रहमो करम पे हम बिल्कुल है, लेकिन मेजोरिटी खुद भी किसी के रहमो करम पे, दे शुड बी क्वेश्चन, और उसको मैं कहूंगा दे शुड बी क्वेश्चन एज वेल, दे शुड बी रिक्वेस्टेड एज वेल, दे शुड बी डिमांडेड एज वेल, शुड बी आस्ट एज वेल कि आपने इस मुल्क के साथ 75-76 सालों में किया क्या है, और अभी तक पाकिस्तान खुद एज अ स्टेट किसी और के रहम करम पे। आपने बार बार कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, टीएलपी की आपने बात की, इसके बाद मैं टीएलपी की ही बात करूंगा। आपको क्या लगता है जब आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मैं चाहता हूं अगर आपके लिए आसान है तो स्पेसिफाई करें एस्टेब्लिशमेंट में कौन, बड़ी वेग टर्म हो गई है, प्लीज। एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स एवरी वन जो पावर कॉरिडोर्स में, आपका पॉलिटिशियन आ गया, आपकी जुडिशरी आ गई, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ गई, या वो एक इंसान जिसके पास पावर कॉरिडोर है या जिसकी सुनी जाती है, आपका इन्वेस्टर हो गया, या आपके मुल्क के करदाता हो गए, ये सारे लोग ही बनाते हैं एस्टेब्लिशमेंट। अगर इनमें से कोई एक भी अपना प्रॉपर किरदार करे, अगर जुडिशरी भी प्रॉपर हो जाए, देन दे कैन हेल्प द पॉलिटिशियन एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अकाउंटेबल। अगर सियासतदान सही हो जाए तो वो फिर जुडिशरी और उसको आर्म फोर्सेस को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अकाउंटेबल कर सकता है। मसला ये है कि ये खुद एक अपना वो इन्होंने माइक्रो सी एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो हर मुल्क में एग्जिस्ट करती है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे यहाँ उसको ज्यादा स्पेस दी गई है। और आपको क्या वजह नजर आती है कि ये जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या इस्लामिक मेजोरिटेरियन स्टेट बनानी है, इसके पीछे आपको रीजन रीजन क्या नजर आता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? द
रीजन इज वेरी सिंपल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपने बहुत कोशिश की कि कायदम की डेथ के बाद जब पाकिस्तान का आपने पूरा का पूरा एक इस्लामिक रिपब्लिक कर लिया उसको डोमिनियन रिपब्लिक से, बिकॉज दैट समथिंग विच कायद डिड नॉट वांट, जो ऑन रिकॉर्ड जी चीज है कायद नेवर वांटेड कि इसको पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक हो, तो वो कांस्टेंट ट्राई है कि पाकिस्तान को कैसे करके इस्लामिक रिपब्लिक अभी भी हम बनाना ही चाह रहे हैं, बना नहीं है। ये जो आप कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट क्यों ये कर रही है, वो इसीलिए कर रही है, उनका मोटिव बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बन तो गया लेकिन और किस तरह पाकिस्तान रिग्रेसिव हो जाता है। आपने 70s में पोस्ट 70s आप ज़िया उलग को ले आए, ज़िया उलग ने पाकिस्तान को 20-30 साल पहले धकेल दिया और उसके बाद आपने तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, वहां की रिग्रेशन आपके केपी में आना स्टार्ट हुई, पूरे मुल्क में फैली, फिर मुशर्रफ आया, फिर आपने अगेन अमेरिकन वॉर में गए। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अक्सर लोग कहेंगे ये माइनॉरिटीज को कैसे इफेक्ट करती है, यही चीजें तो माइनॉरिटीज को इफेक्ट करते हैं कि जब आपका रिग्रेसिव सोच सोच के मिलिटेंट्स आते हैं तो वो मिलिटेंट्स क्या डिमांड करते हैं, आज का तालिबान क्या डिमांड कर रहा है, जो पाकिस्तान में जो अफगान तालिबान की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तालिबान की बात कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान में क्या डिमांड करते हैं, वो पाकिस्तान में डिमांड कर रहे हैं शरिया डिमांड कर रहे हैं या पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, वो इन लेमन लैंग्वेज के पाकिस्तान को आपकी एस्टेब्लिशमेंट या आपके पावर कॉरिडोर हाथ जोड़ के इस चीज के पीछे पड़े होंगे कि पाकिस्तान को करंट अफगानिस्तान कैसे बनाया जाए। और इसी सिचुएशन में आपने नैरेटिव की भी बात की, आपने शरीयत की भी बात की, और उससे पहले टीएलपी की भी। आपको डर लगता है इससे? लाइक जेन्युइनली डर लगता है कि ये हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपके लिए? देखिए ना टीएलपी एक हकीकत है और टीएलपी एज अ ग्रुप, टीएलपी हो गया या जमात इस्लामी हो गया या जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो तो उसकी फ्रंट रिप्रेजेंटेशन है ना, ये तो पूरी की पूरी एक सोच है, पूरा का पूरा नैरेटिव है ना कि यू हैव टू आइदर कन्वर्ट द माइनॉरिटीज, या मियां मिठू हो गया या अयूब जान सरंदी हो गया या जो भी ये लोग हैं जो किसी ना किसी वे में टीएलपी की आइडियोलॉजी ये है कि उनको मारना होता है और क्या उसे कहते हैं मियां मिठू की आइडियोलॉजी ये कि आपको कन्वर्ट करना है, वो किसी ना किसी तौर पे आपकी जो ऑलरेडी वल्नरेबल माइनॉरिटीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ओप्रेस करने की उनकी नैरेटिव, तो ये नैरेटिव इनको फीड कौन कर रहा है, इनको कौन खुली छूट देता है कि ये दिन ब दिन मतलब ज्यादा एम्पावर होते जाएं, या एक दिन ऐसा आए कि ये 22 चर्च जला दें और उनको फिर क्वेश्चन करने वाला कोई ना हो, या ये गोरकी में ब्लास्फेमी का वो इशू कर दें और पूरा मंदिर उड़ा दें और उसके बाद भी उनको क्वेश्चन करने वाला नहीं, और जो प्रोफेसर खुद एक कंप्लेनेंट था आप उसी को जेल में ब्लास्फेमी के चार्जेस में डाल दें, या हर साल हजारों लड़कियां हैं उसको आप पहले किडनैप करें अबडक करें उसके बाद उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करें, तो ये इनकी ये सोच है, ये ग्रुप्स हैं, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जो हायर की होती है, ये नैरेटिव है, नैरेटिव के बाद ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के बाद इनको एम्पावर किया जाता है कि आप जाओ आपने पंजाब में ये करना है, केपी में आपने ये करना है, सिंध में आपने ये करना है, और वो फिर डिपेंड करता है कि जो आपके मैं उसको पॉलिटिकल फोर्सेस यूज वर्ड नहीं करूंगा लेकिन आपका जो आम समाजी रहनुमा है जिसको आप वोट देते हो वो इस चीज को किस तरह मिटिगेट करता है या इस चीज को फाइट करता है, और उसमें फिर दैट कैन बी एनी ऑफ द पॉलिटिशियन, कुछ होंगे जो उस चीज को सरेंडर करके, वहां पे आप देखेंगे कि सप्रेशन ज्यादा होगी और कहीं पे आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस आती है तो वहां पे कंपैरेटिवली कोएग्जिस्टेंस है या एटलीस्ट लिवेबल सिचुएशन है, वरना तो अगेन आप अभी आप फैसलाबाद जाएं कितना जंजाल किया हुआ है मसीहों के लिए रहना, वो वहां पे रह नहीं सकते, दैट इज टोटली बिकम अनसेफ, और यही मोटिव था कि वहां पे उनको माइग्रेट करवाना है ताकि उनके घर बार और प्रॉपर्टीज बचें तो उस पर फिर किसी का कब्जा हो। वेज पे, क्योंकि आपने ये हायरार्की बताई, इस हायरार्की के बिल्कुल बॉटम में, बुनियाद पे, आपको आपको इस्लाम कितना नजर आता है? इस्लाम से मुराद इस्लाम को कितना कसूरवार, अगर आप ठहराना चाहें, अगर ठहरा सकें? नहीं मैं किसी भी मैंने वही बताया ना कि मैंने जब एज एन इंडिविजुअल मैं इस्लाम के प्रोस को पिक कर सकता हूँ तो क्या स्टेट इस्लाम के प्रोस को पिक नहीं कर सकती,
या जो आपके दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं क्या, मतलब अच्छा मैं सिर्फ ये भी पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ही इस्लाम का ठेकेदार है, मलेशिया भी एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे आप चाहें आप यू कैन लिव फ्रीली फॉर देयर, मुझे इस्लामिक कंट्री से मसला नहीं है, ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, शायद हमेशा के लिए, अगर हमेशा हमेशा नहीं तो कई डिकेड्स के लिए पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ही रहेगा। मसला ये है कि आपने वो इस्लामिक रिपब्लिक क्या सिर्फ पाकिस्तान है, दूसरे जो मुस्लिम मुमालिक हैं आप वो को एक्सिस्टेंस सीख रहे हैं, आपने खुद ने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया कितना अपने आप को लिबरलाइज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को भी और अपने सोशल फैक्टर्स को भी कर रहा है, लेकिन आप रिग्रेस होते जा रहे हैं, आपने क्लब्स बंद किए, आपने अच्छा आपने ये, आप हिंदू से टैक्स जरूर लेते हैं लेकिन हिंदुओं का मंदिर नहीं बनने देंगे नया, ये बाय लॉ अपने एक चीज ऑन रिकॉर्ड लेके आ गए हैं कि बस हिंदू अपना जो ऑलरेडी एक मंदिर है उसको रीबिल्ड करके या मेंटेन करके बड़ा बना सकते हैं उसको, लेकिन नया मंदिर स्टेट नहीं बनने दे सकती, और अच्छा स्टेट कहीं पे भी पैसे नहीं देगी नए मंदिर बनने के, आप फिर हिंदुओं से टैक्स लेना भी बंद करें ना, आप जब मुसलमान से टैक्स लेते हैं तो आप उसको हज की सब्सिडी भी देते हैं, आप मदरसों में फंड्स भी देते हैं, आप करिकुलम में भी उनकी जो तालीमात है एंडोर्स करते हैं, तो दैट्स फेयर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उससे मसला नहीं, फिर आप जब हमसे टैक्स लेते हैं हमें उसका फायदा कहाँ पे पहुंच रहा है, सिवाय जो बेसिक राइट्स हैं वो जो हर सिटीजन को मिलते हैं, खैर वो तो पाकिस्तान में किसी को नहीं मिल रहे, महंगाई है, पॉवर्टी है या रोजगार है, लिवेबिलिटी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सोशल फैक्टर्स में जब हम भी उतना ही पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन शायद हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं फॉर अ फैक्ट ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आज तक एक भी हिंदू गद्दार नहीं पाया गया, मुस्लिम गद्दार पाया गया है पाकिस्तान की तारीख में 76 ईयर्स में, देर इज नो सिंगल हिंदू हु हैज बीन कन्विक्टेड एज अ ट्रीटर, तो आप तो समझे कि हम तो मुल्क से बहुत ज्यादा वफादार हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं नो डाउट टू देयर लव फॉर द कंट्री, लेकिन हम तो शायद उनसे भी ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसका हमें सिला क्या दिया जा रहा है। इसको कानून के लेंस से देखें, आपने कानून की बात की, मंदिर नहीं बनाए बनाने दिए जाते, इसी कानून की प्रोटेक्शन अल्टीमेटली हर सिटीजन को होती है ना, वो आपको वो प्रोटेक्शन भी नहीं है इस तरह कि आप पीएम नहीं बन सकते, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप कोई बड़ा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो अगेन, क्या फिर क्या क्या इंसेंटिव है इस धरती से मोहब्बत करने का? अच्छा पाकिस्तान का जो कानून है उसमें ये जो वही बात है कि जब आपने इसको इस्लामिक रिपब्लिक किया तो किसी तरीके से आपने वो उसको वर्ड होता है शशका, आपने शशके भी तो छोड़ने थे ना, और आपने शुगर कोट भी तो करना था उसको, तो फिर आपने एक तरफ ये कर दिया कि पाकिस्तान का जो पीएम है प्रेसिडेंट है वो नहीं बन सकता लेकिन पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है, आप फिर चीफ जस्टिस भी ना बनने थे ना, राणा भगवान दास 2008-09 में बने ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, तो वैन राणा भगवान दास कैन बी द चीफ जस्टिस, तो बाकी क्यों नहीं बन सकते। अच्छा आप फिर अपनी हिस्ट्री को भी डिसोन करना स्टार्ट कर देते हैं, डिसोन कैसे करना स्टार्ट कर देते हैं, पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम कोई और उसकी पोजिशन होती थी, लेकिन चले आपकी फोर्सेस का जो सरबरा था वो कौन था पहला, वो एक क्रिश्चियन था, पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था, एक अहमदी था, पाकिस्तान का पहला सॉरी चीफ जस्टिस वॉज अ क्रिश्चियन, पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर सर जफरुल्ला खान जफरुल्लाह साहब खान जी, वो एक एमडी थे, तो मतलब पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का सरबरा एक नॉन मुस्लिम या माइनॉरिटी से था, चीफ जस्टिस माइनॉरिटी से था, आपका फॉरेन मिनिस्टर माइनॉरिटी से था, आपका जो लॉ मिनिस्टर है वो माइनॉरिटी से था जिसने कानून बनाया, तो फिर आप कैसे उस चीज को डिसोन कर रहे हैं, और वो डिसोन करना आप इनके लिए बनता है, मैं वही बता रहा हूँ कि ये दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इस्लामिक रिपब्लिक जिस तरह बनाना चाहते थे वो शायद अभी तक मुझे लगता है नहीं बना पाए, तो ये दे आर पुटिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स के पाकिस्तान को किस तरह हम अफगानिस्तान बनाए कि फिर लड़कियों को पढ़ने भी ना दिया जाए और माइनॉरिटीज को रहने भी ना दिया जाए। क्योंकि हमने कानून की बात की, इसमें एक और चीज, जो ब्लास्फेमी लॉ है या जो डाइटरी लॉज रमजान में अमूमी तौर पे हो जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम ब्लास्फेमी लॉ की बात करें, वो कितनी कांस्टेंट तलवार है आपके सर पे कि जब चाहे मेरे जैसा कोई बंदा आप पे इल्जाम लगा दे और कोई सुनवाई नहीं होगी और कोई जला देगा आपको। यार मेरे से ज्यादा मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कानून है विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टेंट आई थिंक सो यूज एज अ थ्रेट या एज अ टूल टू सप्रेस एनी सेन वॉइस, चाहे वो मशल खान हो, प्रोफेसर नोतन लाल हो, या आसिया बीबी हो, या आपका जुनैद हफीज हो, या आपका प्रियंका कुमार हो श्रीलंका का, तो कोई भी बंदा चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सलमान तासीर हो, सलमान तासीर कौन सा वो माइनॉरिटी से था, या सलमान अपना मशल खान कौन सा माइनॉरिटी से था, या जुनेद हफीज कौन सा माइनॉरिटी से था, दे फॉर ऑल मुस्लिम्स। द थिंग इज के दिस लॉ, अच्छा ये भी होता है कि पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि कानून अमीर के लिए नहीं होता, सिर्फ गरीब के लिए होता है। ये वाहिद कानून है जो अमीर को भी नहीं दिखता, गरीब को भी नहीं दिखता, मुसलमान को भी नहीं दिखता, गैर मुसलमान को भी नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। सलमान तासीर द गवर्नर, अब उसको मार दिया, मतलब ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन दिस कंट्री एट द टाइम, एक स्टेबल जिसकी बड़ी बैक थी, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में से था, आपने उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि इसी कानून के तहत इस पे आपने मशल खान जो मुस्लिम था अगेन उसको मार दिया, आपने एक प्रोफेसर को जेल में डाल दिया, आपने जुनैद हफीज जो अगेन एक वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर आपने उसको जेल में डाल दिया। सो दिस इज अ कांस्टेंट थ्रेट फॉर एवरीवन एंड यूज्ड एज अ थ्रेट। अब मसला ये है कि एक ये दिन ब दिन रियलिटी बनता जा रहा है। अब द थिंग इज के हाउ टू मिटिगेट दैट थ्रेट, आप इस कानून को चले खत्म नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट जो उसका मिसयूज है उसको तो खत्म करें, कि इस कानून को जिस तरह मिसयूज किया जाता है, जिस तरह अभी जरावाला में आपके सामने हुआ, कि अच्छा आपको अगर लगता है कि हुजूर की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तोहीन हुई है, या जो ब्लास्फेमी हुई है जो भी आपने उसके कानून में फेस किया हुआ है, तो आप उसको पुलिस के हवाले करें, पुलिस उस पर पर्चा काटेगी, कोर्ट में केस होगी, सुनवाई होगी, अगर वो सजा उसको मिली तो सजा फिर क्या होगी कि उस ही विल बी कन्विक्टेड, या इधर ही विल बी चार्ज्ड इनोसेंट और गिल्टी, दोनों जो जो ऑप्शंस हैं आपके पास, और आपका मुल्क का कानून भी यही कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे कि मुझे अगर लग गया कि इसने ब्लास्फेमी की है, तो एक तो मैंने उसको उधर ही मार देना है, दूसरी बात ये कि आप इसका मिसयूज कैसे हो रहा है कि मैं आपको 10 से 15 जो इंसिडेंट्स मुझे याद है मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि इसने पैसे नहीं दिए, इस पे ब्लास्फेमी लगा दो, लगा दी, उसको मार दिया, या फिर उसको वही बात है पर्चा हो गया, या वो कैसे करके बच गया अलग बात है, ये है ये मेरी बात नहीं मान रहा है, इस पे मुंह लगा दो, ये मुझसे बहस कर रहा है इसके क्लास में, अब ये इस तरह स्टार्ट हो रहा है। और इसको स्टेट शुड एक्ट सेन, और ये चीज रोकनी पड़ेगी। ये मेरे लिए या अब्बास भाई आपके लिए सिर्फ मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में हर एक शहरी के लिए मसला बनता जाएगा, क्योंकि जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग इसको इस कानून के मिसयूज को एंडोर्स कर रहे हैं, वो फिर वो नहीं देखेंगे कि सामने पर चीफ जस्टिस भी आ रहा है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है, या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, या प्रेसिडेंट आ रहा है। अभी आरिफ अली पे क्या हुआ था इस्लामाबाद, आपकी कुछ बैंड आउटफिट्स नए उस पर भी तो लगा दिया था ना, आपके प्रेसिडेंट पे, और अल्लाह ना करे मतलब, लेकिन कुछ भी नाखुशगवार वाकया हो सकता है अगर उसको ना रोका जाए। रश्मि, जब आपने आपके सॉरी जी सॉरी सॉरी प्लीज, जी आपने जो सॉल्यूशन बताया कि स्टेट को इस पर देखना पड़ेगा, आपको फिर इसमें तजाद महसूस नहीं होता? एक तरफ आपने फरमाया और हम देखते भी हैं कि स्टेट खुद रेडिकलाइज कर रही है, और जब आप मासेस को रेडिकलाइज करते हैं फिर कानून तो अपने हाथ में लिया ही जाता है, और फिर आप कह रहे हैं कि प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ये तजाद नहीं आपको नजर आता? नहीं, मैंने कहा कि मैंने इससे पहले एक मैं वर्ड यूज कर रहा था बार बार के एक स्पेसिफिक ग्रुप, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रियासत को देखना पड़ेगा, रियासत वो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप के सिनोनिमस नहीं है, रियासत को देखना पड़ेगा कि अगर सियासतदान क्या चाहता है कि उसको ये कानून बख्शे या नहीं, या जो आपके पावर कॉरिडोर्स हैं जिनको मेंशन करने में मैं आई थिंक सो आई शुड फील नो रिजर्वेशन और हेजिटेंस के जो आपके पिंडी के पावर कॉरिडोर्स हैं उनको इस चीज का देखना पड़ेगा कि दे हैव टू स्टॉप दिस।
कहीं ना कहीं दे हैव टू स्टॉप दिस, क्योंकि ये दिन ब दिन चीजें बढ़ती जा रही हैं और मुल्क का नाम, अगेन द थिंग इज, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, ये किसी इंडिविजुअल का नाम खराब नहीं हो रहा यार, रियासत करने में ये पूरे मुल्क का नाम खराब हो रहा है भाई। जरावाला का इंसिडेंट है, ये हमने तो नहीं किया ना, मैंने या आप, आपने या किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं किया, ये जिन्होंने किया उनकी वजह से अब बाहर क्या, यूएन में भी इंडिया क्या, आपके प्राइम मिनिस्टर के रिप्लाई में एक यंग डिप्लोमेट इंडिया की क्या बता रही है, यही चीज पढ़ के बता रही है कि कैसे पाकिस्तान में सोलह के इसको इतने चर्चेस जलाए गए, वो मौका ही आपने क्यों दिया, किसने मौका दिया। आपको आपको हाँ सॉरी जी, लेकिन इसमें बस एक चीज ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, आपको यहाँ पे कोई डंडा नहीं चाहिए, आपको अब खुद ही देखना चाहिए कि इसकी जो आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव तो अब नहीं आ रहे, वो नेगेटिव ही आ रहे हैं, नेगेटिव भी इंतहाई रेडिकल और एग्रेसिव आउटकम्स आते जा रहे हैं कि दिन ब दिन आपको कहीं पे 100 बंदे, मतलब अभी इस तरह जैसे 22 चर्च जलाए गए हैं तो इन फ्यूचर व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट कि 50 चर्च जलाए जाएंगे या 100 चर्चेस जलाए जाएंगे, तो दिन ब दिन अब इसके आउटकम्स इस तरह आ रहे हैं, पहले एक बंदे को पकड़ा जाता था, फिर कम्युनिटी को, फिर किसी मोहल्ले को, अब पूरा का पूरा एक शहर है जो एक कम्युनिटी यहाँ पे बस्ती है उनको अटैक किया जा रहा है। सो द स्टेट शुड रियलाइज के पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है बाहर की दुनिया में। आपको नहीं लगता है स्टेट के हाथ से ये मामला चला गया है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि सलमान तासीर साहब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से मार दिया गया, इवन जो पावर कॉरिडोर्स हैं पिंडी में, जब बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनना था उनपे अहमदी होने की तोहमत लगी तो उन्हें अपने घर में मिलाद करवाना पड़ा, उमरा करना पड़ा, टीएलपी हमारे सामने है। आपको नहीं लगता स्टेट के हाथ से भी अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता खिसकता जा रहा है? परफेक्ट यस, और जिस तरह हमने जरावाला इंसिडेंट देखा, आई एम श्योर स्टेट ये नहीं चाहती थी इंसिडेंट हो, लेकिन ये स्टेट की मर्जी के बगैर हुआ, मैं इस चीज को तो अग्री करता हूँ, लेकिन द थिंग इज के इसको हाथ से निकलने भी किसने दिया, स्टेट ने दिया। तो अब स्टेट, मैं बड़ा, मैंने आपको भी बताया आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, तो मैं इस चीज को बड़ा एंडोर्स करता हूँ कि स्टेट की रिट से ज्यादा कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया में रियासत के रेट से ज्यादा कुछ नहीं होता। इफ द स्टेट वॉन्ट्स टू इरेडिकेट दिस नैरेटिव, दिस थिंकिंग, देन आई थिंक सो कोई भी चीज उसको नहीं रोक सकती, लेकिन द थिंग इज कि क्या स्टेट रोकना चाहती है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। विवेश भी बहुत सारी बहुत बार बात होती है, खासतौर पे इंटीरियर सिंध में हिंदू खवातीन या लड़कियां जो माइनर्स हैं खासतौर पे, उनकी कन्वर्जन की, इसको आप किस तरह देखते हैं? और अमूमी तौर पे मैं क्लब करना चाहता हूँ ताकि आप साथ ही जवाब इसको भी एड्रेस कर लें, कि अमूमी तौर पे फिर कह दिया जाता है कि ये मुआशके का चक्कर था, कोई मोहब्बत हो गई थी और इस तरह का मामला, इसको आप किस तरह देखते हैं, क्या मामला है? यार मैं कहता हूँ कि मोहब्बत शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन थिंग इज कि आपका कानून जब कहता है कि अंडर 18 एक मैरिज पॉसिबल ही नहीं है, तो आप पहली बात तो वो शादी नल एंड वॉइड हो जाती है, फिर उसके पीछे जो भी प्रैक्टिस होती है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, वो चाहे शादी हो या आपने उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की हो या कुछ और किया हो, वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो एक तो बिल्कुल जो आपकी फोर्स कन्वर्जन हम वर्ड यूज करते हैं, वो करते ही अंडर एज जो कन्वर्जन है उसके लिए 18 साल के बाद आप बेशक, इफ नॉट अंडर ड्यूरस, बाकी कोई भी सूटेबल सर्कमस्टेंसेस में आप किसी को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें इससे मसला नहीं है। एक तो ये चीज हो गई, दूसरा कि ये जो कन्वर्जन होती है इसका बड़ा रैकेट है, मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था अपने ट्वीट में कि फोर्स कन्वर्जन के जो एलिमेंट्स हैं, या मिट्टू हो गया या आयुध ध्यान सरंदी, ये तो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, फिर छोटे छोटे जो क्या उसे कहते हैं, आपके मिशनरीज खोली गई हैं, इस्लामिक मिशनरीज आपके गांव गोठों में, तो वो फिर क्या होता है कि वो देखते हैं कि अब ये लड़की है, फिर हाँ पॉवर्टी प्लेज अ बिग रोल, फिर देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उस चीज को फाइट कर सकते भी हैं या नहीं। अच्छा फिर इनको क्या, ये जो इनको फंडिंग आती है मिशनरीज को, ये इंटरनेशनल फंडिंग आती है, मैं उस चीज को फॉर सम रीजन उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इनको एक इंटरनेशनल फंडिंग आती है, इनको कपल्स के लिए वेलफेयर के लिए पैसे कुछ अलॉट किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये ए टू बी कपल है, आपने बी को कन्वर्ट करना है इस्लाम में,
और एबी का जब कपल हो जाएगा इसकी वेलफेयर के लिए 5 लाख रुपए अलॉट हुए, तो 5 लाख फिर इन स्टेक होल्डर्स के पास आते हैं जो अपना कट रखते हैं, कमीशन रखते हैं, आगे फिर मियां मिट्टू टाइप लोगों के पास आती है। फिर क्या करते हैं कि जब इनके पास जो पैसे बचते हैं, ये मैडम 5 लाख का तो एक बड़ा सिम्बोलिक एक सम बताया था, ज्यादा ही होता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो 1-1.5 लाख में उनकी शादी करा के उसको कन्वर्ट करके वो परफेक्ट वो आगे बेचते हैं उस चीज को, और कहते हैं कि अब ये कन्वर्ट हो गया, और जो बाकी उसकी इनकम जनरेट होती है वो उनका रेवेन्यू हो जाता है। सिर्फ सब प्रॉपर, मैं जैसे कहता हूँ एक प्लैंड क्राइम कैसा होता है, ये एक बड़ा प्लैंड क्राइम है, ये प्रॉपर एक रैकेट चल रही है। इस रैकेट को अगर कोई जिसके पास रिसोर्सेज है वो उसको एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन एक्सपोज है ऑलरेडी ये एक रैकेट ना। सो आई थिंक सो कन्वर्जन इज समथिंग जो पाकिस्तान के इमेज पे एक ब्लैक डॉट ला के रख देता है, कि जब चाइल्ड मैरिजेस इस मुआशरे में और आजकल के ग्लोबल मॉडर्न वर्ल्ड में एक चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। आप वहां पे ना के सिर्फ उनसे शादी कर रहे हैं बल्कि उनका जबरन मजहब भी तब्दील कर रहे हैं, उनके साथ आप उनके उनको रेप भी कर रहे हैं, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी भी कमिट कर रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर या मर्जी के साथ। 18 साल से कम इज अ क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस। और आपको वजह क्या नजर आती है कि क्यों कन्वर्जन इस तरह की जाती है? 3 वजह है। एक तो ये है कि जो आपका, वही हम कब से बात करते आ रहे हैं कि नैरेटिव जो है, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो टूल्स हैं मियां मिट्टू या टीएलपी टाइप, तो टीएलपी को एक अलग मकसद के लिए आपने छोड़ दिया ग्राउंड में, जो अब तो आपके हाथ से निकल गए। मियां मिट्टू टाइप है इनको, दिस दिस इटसेल्फ इज अ वे ऑफ ऑपरेशन समवन, वो फिर कैसे आप उनका मजहब तब्दील कर देते हैं जोर जबरदस्ती के बेसिस पे। तो एक तो ये हो गया कि आपने वही बात है कि इस्लाम इस्लामी रियासत है उसमें सारे मुसलमान होने चाहिए, वो वाला नैरेटिव आपने ब्रीच करना है, और दूसरा कोई हिंदू नहीं हो सकता। फिर मैंने इसके पीछे क्या इकोनॉमिक, और वही बात है कि कितना इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व है वो भी मैंने आपको पता, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, विच कैन बी एक्सपोज इन डिटेल। इस पे काम करने की जरूरत है। मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, एक्टिविस्ट या मीडिया एजेंसीज, उनको इस पे वर्क करना चाहिए। विवेश भाई, अब हम बस आखिरी सवालों की तरफ चलते हैं। बहुत वक्त लिया मैंने आपका। आपने शुरू में तस्करा किया था कि किस तरह चंद औकात में आपको ये कह दिया जाता है कि तुम तो इंडिया चले जाओ, तुम्हारी एलिजेंस वहां पर है। इंडिया में अब जो राइजिंग, माफ कीजिएगा, राइजिंग हिंदुइज्म नजर आता है, हिंदुत्व की बात होती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, आरएसएस की, इसने भी तो आपको कितना डैमेज किया है आपके कॉज को यहाँ पर। बहुत ज्यादा अलॉट। उसका रीजन ये है कि इंडिया यूज टू बी सेकुलर कंट्री, और इट वाज द नाइसेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपका एक सेकुलर कंट्री है। आपने वही बात है कि वहां का जो 25 करोड़ मुसलमान है वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में नहीं जा रहा, वो रीजन होगा क्योंकि उनको उतनी इंडिपेंडेंस दी गई थी। अच्छा, नॉट ओनली द मुस्लिम्स, वहां का एक मुसलमान को अपने प्रेसिडेंट बना दिया, वहां के आईबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह बहुत टाइम तक मुस्लिम रहे हैं, आपके वहाँ के सुपरस्टार्स मुस्लिम हैं, आपके वहाँ के क्रिकेट टीम का कैप्टन मुस्लिम है। सो दे हैड दिस थिंग, लेकिन द थिंग इज पोस्ट मोदी, जो उसका जो सेकंड टर्म, और स्पेशली जो उसने प्रॉपर ये राम मंदिर पे फिर पॉलिटिक्स की, और उसके बाद राइजिंग इंटॉलरेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, चाहे कि वो मुस्लिम है, और अब तो सिखों के साथ भी जो हो रहा है, तो वो हमें जरूर डैमेज करता है। उसका रीजन ये है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें करता इसलिए है क्योंकि वी हैव बीन ऑलवेज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द क्राइम्स इंडिया कमिट्स, वेयर एज वी डू नॉट हैव एनीथिंग कोरिलेटेड टू इंडिया। मतलब वहां पे हमारा कोई रहता नहीं है, वहां पे हमारा कुछ जाए नहीं, वहां पे देयर इज नो कनेक्शन, हमारे साथ पीढ़ियां यहाँ पे रहती है, लेकिन स्टिल वी आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सम क्राइम विच इंडिया कमिट्स, एंड आई डोंट नो व्हाई। वो आपका वही बात है कि स्टेट का नैरेटिव हो गया, या पर्पसली किया जाता है, या एक सोच बन गई, या आपने इतना वो इंजेक्ट किया हुआ है आपकी करिकुलम और सिलेबस से कि आप शायद हाथों से बाहर चीज निकल गई। विवेश भाई, पॉलिटिक्स पे जाने से पहले आखिरी सवाल,
आपको लगता है कि पाकिस्तान ने एज अ रियासत, इसके कानून ने और इसके लोगों ने खास तौर पे आपको एक एक इक्वल शहरी के जितने मौके दिए उतनी इज्जत दी? मैं कंपैरेटिवली अगेन प्रिविलेज की बात करता हूँ, मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ तो शायद मुझे ज्यादा मौके मिले, लेकिन मैं कॉमन हिंदू की बात करूँ तो शायद उतने मौके नहीं मिले। वही बात है कि जो आपका पहले एक सवाल था, मैं उस चीज को या इस सवाल के लिए अग्री करूंगा। हमें फिर जो कॉमन हिंदू है उसको, जो एवरेज हिंदू है उसको मासेस या मेजोरिटी के रहम करम पे छोड़ा गया कि कोई सरदार है तो वो मुस्लिम सरदार है, हिंदू सरदार नहीं हो सकता। वैसे तो ऑब्वियसली आई एम अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म, लेकिन मैं मिसाल ये बता रहा हूँ। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है तो वो मुस्लिम ही हो सकता है। तो इस तरह आपने पूरा एक सिस्टम बना दिया कि द हेड ऑफ एनीथिंग, एनी कॉर्पोरेशन, एनी गवर्नमेंट सेक्टर, वो मुसलमान ही होगा और फिर उसका एम्प्लॉय जो है वो हिंदू होगा। अल्टीमेटली आपने एक हायरार्की खुद ही बना दी है कि ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा। तो मैं अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज आई नो हाउ टू रेजिस्ट, हाउ टू फाइट, और मैं वो करता भी हूँ, और शायद मेरा एक प्रिविलेज बैकग्राउंड है एज कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन शायद दूसरों को इतने बोलने के भी मौके नहीं दिए जाते, उतना उनको बोलने भी नहीं दिया जाता, या उनमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, या दे डू फेयर ऑफ समथिंग विच ऑब्वियसली आई डू एज वेल। लेकिन वही बात है कि नॉट एवरीवन इज रेडी टू बी टू कॉम्प्रोमाइज दिस मच। रमेश भाई, चंद आखिरी सवाल बस ऐसे क्लोज करते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलर डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हिंदुइज्म का या हिंदू से कोई 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 जगह नजर नहीं आती, इसको किस तरह देखते हैं आप? यस, उसका रीजन ये है कि जो एक ये चीज है रिजर्व सीट्स की ना, रिजर्व सीट्स होनी चाहिए और दुनिया में हर जगह होती हैं, जहाँ पे आप स्पेसिफिक एक वो सिस्टम बनाते हैं। मुझे रिजर्व सीट से मसला नहीं, मुझे मसला ये है कि आपने हिंदूज को या क्रिश्चियंस को इतना अनएम्पावर किया है कि आपने उनको फ्लरिश होने नहीं दिया। आप और जब जहां पे आपने उनको मौका दिया है, दे हैव प्रूवन यू राइट। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मैं बात करता हूँ तो उन्होंने मिट्टी, जो एक हिंदू मेजोरिटी सिटी है थरपारकर में, वहां से डॉक्टर महेश मलानी को उन्होंने खड़ा किया, वहां पे मेजोरिटी से जीते और बहुत अच्छी लीड से जीते बीइंग अ हिंदू। लेकिन जबकि वो खड़े जनरल सीट पे थे, वो कोई रिजर्व पे नहीं थे। हुई हुई टॉक अबाउट हरिराम किशोरी लाल फ्रॉम मीरपुर खास, मीरपुर खास इटसेल्फ इज अ मुस्लिम मेजोरिटी सिटी, लेकिन वो वहां से जीते ऑन जनरल सीट। ज्ञानचंद ईसरानी फ्रॉम जामशोरो, वहां वो अगेन एक मुस्लिम मेजोरिटी शहर है, लेकिन वहां से वो जीते। आपने जहां जहां पे हिंदुओं को मौका दिया वो जीते हैं। पर मसला ये है कि जो बाकी माफिया है या बाकी जो एक इलीट हिंदू है जिसको मौका ही नहीं मिलता, सॉरी, जो दूसरे को मौका ही नहीं देने देते, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट और आपका इन लोगों का जो इलीट है, इनका एक नेक्सस बन चुका है कि आपने इसको उठाना है, इसको रिजर्व सीट पे देना है, ये आपको इतने इतने पैसे देगा। पॉलिटिकल पार्टीज अपने पैसे रखेंगी, एस्टेब्लिशमेंट अपने रखेगी, वो रिजर्व सीट पे आएगा, 5 साल तक वो बोलेगा नहीं, उसको उसका नाम मिलेगा, उसको ये भी कहा जाएगा कि वो हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 5 साल तक ही विल बी मम, वो बोलेगा नहीं। मेरा अगला सवाल यही था कि आपको क्या लगता है कि जो आपके अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें लाइमलाइट मिल गए, जैसे रमेश कुमार हैं, पहले नून लीग में थे, पीटीआई, आप वो भी छोड़ गए हैं, इन्होंने आपके कॉफ को कितना नुकसान पहुंचाया है? द थिंग इज पीपल लाइक हिम एक नहीं है। इनको लाइमलाइट इसलिए मिली है ज्यादा क्योंकि ये वही है कि उन्हीं पावर कॉरिडोर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लेकिन अदर पीपल लाइक हिम जो उन पावर कॉरिडोर के लोग नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं घूम करके, वो आप उनको उनको आप कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा करें तो उनको 5,000 वोट भी ना मिले। आप डॉक्टर रमेश को इस्लाम कोर्ट में खड़ा करें तो शायद मैं कहूंगा कि 10,000 वोट भी ना मिले, जबकि ही हैज बीन एमएनए फॉर लास्ट 3 to 4 tenures, और शायद इस बार भी एमएनए होंगे। आप मुकेश चावला को खड़ा करें तो ही वुड नॉट गेट वोट्स, या आप किसी भी क्रिश्चियन एमएनए को खड़ा करें जो रिजर्व पे आता है उसको वोट ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपने फिर भी उनको हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है। हाँ, या तो ये बात हो कि वो उसके पास कोई 50-60 हजार वोट हो
लेकिन वो जीत नहीं सकता क्योंकि आगे वाले के पास 1 लाख वोट है। तो चलो समझ जाए कि आप उसको रिजर्व सीट देते हैं उसको उसको एम्पावर करने के लिए, उसकी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज समवन इज वे रिच और वो आपको 50 या 100 करोड़ रुपए दे सकता है और उसपे आप उसको सीट दे देते हो, और वो फिर 5 साल के बाद वो कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग होती है और वो कैसे अपने पैसे निकालता है, दिस अगेन अ सिस्टम एवरीवन नोस। लेकिन फिर ये हमारे कॉज को तो ये पूरा ही हार्म करता है क्योंकि हमारी बात करने लायक ही फिर कोई नहीं बन रहा है। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पे जीत के आता है वो अपने हल्के की बात करता है, वो कहता है मैं हिंदू वोट पे आया ही नहीं हूँ तो मैं हिंदुओं के लिए क्यों बात करूं, मैंने जो 3 नाम दिए, नो नो ऑफेंस टू देम, चले उनका मसला नहीं है, भाई तुम तो रिजर्व सीट पे आए ही हिंदू रिजर्व सीट पे हो ना, माइनॉरिटी रिजर्व सीट पे, तुम तो बात करो। चले डॉक्टर महेश या हरिराम किशोरी लाल या ज्ञानचंद बात नहीं करेंगे क्योंकि वो वोट लेके आए, तुम तो आए, वो हम कहते हैं ना एक वर्ड यूज होता है रिलीजन कार्ड, उस पे आए हो ना, देन यू हैव टू टॉक फॉर आवर वेलफेयर। लेकिन इनका नैरेटिव फिर क्या होता है, जिसमें हमारे अभी के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बिकॉज दे कम फ्रॉम द सेम पावर कॉरिडोर के, पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। उनकी एक ट्वीट बड़ी वायरल चल रही है कल से, आपने देखी होगी कि ऑल हिंदू शुड बी परसुएटेड टू इस्लाम वन डे, और फिर हमारा वही है एक मिलेनियम बनेगा। तो मतलब आपका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उसकी तो खैर मुझे समझ नहीं आता उसकी सोशल मीडिया टीम ने ट्वीट डिलीट क्यों नहीं करवाई, लेकिन उसके ये व्यूज हैं। अच्छा, ही वाज द सेम सेनेटर अलोंग विद डॉक्टर मेशन अदर पीपल जिन्होंने वो सर्वे किया था पूरे पाकिस्तान में कि फोर्स कन्वर्जन होती है नहीं, आर करंट प्राइम मिनिस्टर अनवारुल काकट, और इसकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन होती नहीं। मेरा ये भी अच्छा अच्छा किया आपने कि ये बात की कांस्टेंट इस्लाम में लाने की। मेरा ये आखिरी सवाल था आपसे कि ये मुआशरती तौर पे आपको कितना प्रेशर महसूस होता है कि आपको शायद, मेरा ख्याल है जितने हिंदुओं से मैं मिलता हूँ या जितनी चीज़ें मैं देखता हूँ, उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है कि इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते। खासतौर पे अभी जो एक एक वाकया आपकी भी नज़र शायद गुजरा हो, नादर अली साहब एक पॉडकास्टर हैं, उन्होंने क्रिश्चियन से दबे लफ्जों में ये सवाल कर लिया था। मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारी मेंटेलिटी शो करता है। तो ये कितना सुनीता प्रेशर मॉडल, आपके पास कॉन्स्टेंट रहता है? अच्छा द थिंग इज के पीपल लाइक नादर अली ये पूरे मुआशरे की सोच की अक्कासी करते हैं और ये हमें पोट्रे करते हैं कि पूरे मुआशरे में क्या चीज हो रही है। मैं मतलब अगर आपने ये नाम लेके बहुत अच्छा किया, बिकॉज व्यूअर्स को ये चीज पता चलेगी कि जो हम बार बार कह रहे हैं मुआशरा 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 है कौन, मुआशरा वो है कि जो नादर अली की सोच है, और उसने जो सवाल किया था सुनीता मार्शल से, और वो एग्जैक्टली रिएक्शन हमें फील करना पड़ता है। सो इट्स नादर अली वर्सेस सुनीता मार्शल, इट्स द मुआशरा वर्सेस द माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। तो हमें कॉन्स्टेंटली ये जारी बात है, लेकिन मेरा जवाब उसके लिए इन पर्सनल कैपेसिटी ये होता है कि पहले आप तो इस्लाम पे सही अमल करना शुरू करो, तो फिर हमें भी वो वी गेट इंस्पायर्ड एज वेल कि हम भी इस्लाम कबूल करें। रमेश भाई, आखिरी सवाल है इस मुतालिक, या मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। आपके पास क्या इंसेंटिव है? आप अभी यंग भी हैं, इतने बड़े पंगे लेने का क्या इंसेंटिव है भाई पाकिस्तान में रहकर? मैं पंगे नहीं लेता, मैं वही मैंने बताया कि बड़ा प्रैक्टिकली चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कॉज सर्व हो रादर देन कि आप बड़ा वो ऑप्टिमिस्ट होके चलेंगे इनकलाब आएगा, इनकलाब इज नहीं, नॉट लेकिन कमिंग एक्टिविज्म दिस। करना भी और इस तरह की बातें करना भी पाकिस्तान में तो पंगा ही है ना। हाँ, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि रिवॉल्यूशन इज नॉट कमिंग, लेकिन माई लिटिल एक्शंस कैन ब्रिंग अ चेंज, अ लिटिल चेंज, और कैन फिक्स समथिंग, या मेरा इन्फ्लुएंस है वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता है। मेरे बोलने से अभी इतने लोग सुनेंगे, शायद एक दो का जहन तब्दील हो जाए। तो मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर पोस्ट की थी कि मैंने कहा कि एक पोस्ट मेरे उस पे वॉल पे आई थी फेसबुक पे कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, मतलब दैट वॉज नॉट ऑन द रिलीजियस साइड, लेकिन वो इकोनॉमिक उस पे था कि किस तरह, और आपने सब देखा होगा कि एवरीवन इज रनिंग फॉर द वेस्ट एंड बाहर जा रहा है। तो मैं ये मेरी ये सोच है, आई डोंट वांट टू लीव दिस कंट्री ना, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मैं चाहता हूँ यहाँ पे रहूँ और कुछ ना कुछ माशरे में बेहतरी कर, और अगर मेरे पर्सनल कंट्रीब्यूशन से पाकिस्तान में एक माइनर सी भी बेहतरी आती है, कुछ एक सिंगल चेंज भी आता है, तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि मुझे 10 से 20 लोग याद रखें टिल टिल द टाइम आई डाई।
और बेबिश भाई, आखिरी सवाल इस मुतालिक, फिर इसको क्लोज करते हैं। आपको प्रैक्टिकली पाकिस्तान का इस पूरे मामले का, माइनॉरिटी राइट्स का या मेजोरिटी का जुल्म, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, इसका हल क्या नजर आता है पाकिस्तान में, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि जो मासेस सुन रही हैं दे स्टार्ट वही बात है कि डिस्कोर्स से स्टार्ट टू करें, उसको बात करना स्टार्ट करें। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग देन यू स्टार्ट डिमांडिंग, व्हेन यू स्टार्ट डिमांडिंग फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो आता है इलेक्शंस का। आप उसमें उन लोगों को वोट करें जो आपको लगता है कि इंक्लूसिव हैं, जो प्लूरल सोच को प्रमोट करते हैं। और मैं कहता हूँ यही प्रैक्टिकल सोचिए, यही सियासतदान जाएंगे। या अगर आप वोट नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आपके वोट की वर्थ नहीं है, तो मैं फिर वही कहूँ कि आप फिर खुद खड़े हो। अक्सर हमारे यहाँ ये सोचे ना कि ये बंदा भी सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि दादा एक्टिविस्ट देमसेल्फ शुड गो टू द पार्लियामेंट। वो अक्सर कहते हैं कि फिर हमें वही बात है, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं सिस्टम का हिस्सा होने के बगैर आप सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते। मेरी बीइंग एन एक्टिविस्ट थोड़ी ये एंटायर एक्टिविस्ट अप्रोच है, क्योंकि मेरे बहुत से एक्टिविस्ट इस चीज से अग्री नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ बीइंग एन एक्टिविस्ट आप अगर, या बीइंग राइट्स डिफेंडर, अगर आप जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक आप सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। एंड द होल सिस्टम इज टोटली कोलेप्स, तो कहीं ना कहीं पे आपकी एफर्ट ही होगी, वरना तो रेंटिंग एंड कंप्लेनिंग से कुछ नहीं हो सकता। बिबिश भाई, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। हमारी कोशिश ये थी, और शुरू में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी मैंने आपको परेशान किया। हमारी कोशिश ये है इस पूरी सीरीज में कि मुख्तसर वक्त में हर रिलीजियस एंटिटी की बात समझी जाए। अगर आपको लगता है कि इस पूरे कन्वर्जेशन में, जब हम पाकिस्तान को हिंदुइज्म के लेंस से देख रहे हैं, अगर कोई सवाल, कोई टॉपिक, कोई कमेंट मैं आपसे लेना, मुझसे रह गया, तो प्लीज आप अपने एंडिंग वर्ड्स कहिए, फिर हम इसे क्लोज करते हैं। सो अब्बास, द थिंग इज कि बहुत अच्छा है इंटरव्यू रहा, और आपने बहुत ही ज्यादा कंक्लूसिव सवाल पूछे। कंक्लूसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे, बड़े वेग और जनरल क्वेश्चन नहीं थे ये बंदा पूछता है कि। सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पास भी आपके सवाल सवाल के जवाब थे। वो तो बाकी व्यूअर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी देख रहे हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरी इल्तजा भी है कि स्टार्ट टॉकिंग, हम बात करें। और कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट आ सकती है, लेकिन सिविल तरीके से और तहजीब तमीज के साथ बात करना स्टार्ट करें, डिसएग्रीमेंट्स को दूर करें। और कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। हमने माइनॉरिटी राइट्स मार्च में यही डिस्कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें हमें बहुत ज्यादा मुस्लिम्स ने मेजोरिटी ने सपोर्ट किया। और उसके बाद जो भी हमारे प्रोटेस्ट हुए, जो भी डिमांड्स हैं, चाहे जरावाला हो या अभी जो कश्मीर में हिंदू अब्डक्टेड थे उनके लिए एहतजाज, जो मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो आई थिंक सो द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान दे कैन नॉट फ्लरिश अनलेस द मेजोरिटी हैव द सेल्फ रियलाइजेशन। तो थोड़ा आप भी हाथ बढ़ाएं, थोड़ा हम भी हाथ बढ़ाएं, एंड लेट्स मेक पाकिस्तान बेटर एंड पाकिस्तान फॉर ऑल। थैंक यू सो मच बिबिश भाई, मैं आपके वक्त का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी उन सर्विसेज का भी जो आप हमारे माशरे में, और जो आपका भी इक्वली है, या बल्कि मैं आपके लफ्ज मुस्तार लूँ कि आपका ज्यादा है, बिकॉज धरती तो आपकी थी, बाकी तो लोग, मेजोरिटी कुछ लोग माइग्रेट करके आए थे। तो अपनी धरती और अपने मुल्क के लिए बहुत मेहनत करने का आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच अब्बास फॉर योर टाइम एंड ऑब्वियसली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये सब करने की दरख्वास्त इसलिए है कि YouTube का एल्गोरिथम इस तरह का है कि जब आप कमेंट, लाइक, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर उस क्रिएटर के साथ कि जिसका काम आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ उनकी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट उन पर कीजिए। ये हम सबको आगे बढ़ने में मदद करेगा।